हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करेंगे सीएसएस इन वन वीडियो। तो हम लोग कवर करेंगे सीएसएस का बेसिक, जो सारे लोगों को एकदम अच्छे से आनी चाहिए, तभी वो किसी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकता है। दैट मीन्स जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये आपको आनी ही आनी चाहिए। आप चाहे एडवांस डेवलपर हो, या बूटस्ट्रैप की हेल्प से डेवलपमेंट कर रहे हो, या मटेरियल सीएसएस की हेल्प से डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई भी चीज़ डायरेक्टली जंप करने से पहले आपको इतनी चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। और ये मैंने काफ़ी चीज़ें काफ़ी दिन काम करने के बाद इतना कंटेंट निकाला है जो आपको आना ही आना चाहिए। दैट मीन इट इज़ अ मिनिमम कंटेंट दैट यू नो आफ्टर मूविंग टू एडवांस सीएसएस। आपको एडवांस सीएसएस सीखने से पहले इतनी चीज़ें आपको आनी ही आनी चाहिए। तो ये वीडियो सबके लिए है। अगर कोई सीएसएस सीखना स्टार्ट करना चाह रहा है या वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाह रहा है सीखना, तो मैं इस वीडियो में सीएसएस की सारी बेसिक्स बताऊंगा, सीएसएस कैसे लिखते हैं ये सारी चीज़ बताऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप सिंपल बताऊंगा जिससे आप सीख पाओगे। जब ये वीडियो देख लोगे, इस बेसिक सीख जाओगे, तब जाके अब एडवांस डेवलपमेंट कर पाओगे, अब मूव कर पाओगे किसी दूसरे टेक्नोलॉजी पे। जैसे बूटस्ट्रैप में बहुत सारी सीएसएस ऑलरेडी लिखी है, तो उन सब सीएसएस को आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ सीएसएस क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई। सबसे पहला ही क्वेश्चन, वाई सीएसएस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी तभी आप पढ़ोगे जब ज़रूरी होगी। तो ज़रूरी टेक्नोलॉजी क्यों है, सीएसएस क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, सीएसएस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीएसएस यूज़ होती है वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए। जब आप वेबसाइट बनाते हो एचटीएमएल को यूज़ करके, उनको स्टाइल करने के लिए सीएसएस यूज़ होता है। दैट मीन्स आप कोई कार लेते हो, तो जो कार का ढांचा है वो होता है एचटीएमएल। तो जब आप वेबसाइट बनाते हो तो एचटीएमएल की हेल्प से कार का ढांचा बना देते हो, फिर कार की जो फिनिशिंग करते हो, स्टाइल्स होती हैं। जैसे आपने देखा होगा भाई, बीएमडब्ल्यू होती है तो उसकी हेडलाइट दूसरी तरीके से होती है, तो सीएसएस की हेल्प से वो हेडलाइट बनाई जाती है। उसका जो फिनिशिंग होता है, उसका कलर होता है, उसके शीशे का जो स्टाइल होता है, लगने का शेपिंग होती है, वो सारी चीज़ें आप सीएसएस की हेल्प से कर सकते हो। दैट मीन्स एचटीएमएल से सिर्फ और सिर्फ आप ढांचा बना सकते हो, उसके बाद आप स्टाइलिंग करोगे सीएसएस की हेल्प से। बट क्यों स्टाइलिंग करोगे, ये चीज़ मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वर्ल्ड में होता क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई छोटी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, सबके पास एक वेबसाइट होती ही होती है। एक उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, और अगर वो इंस्टीट्यूट या कोई कंपनी उससे बिजनेस कर रही है तो वेबसाइट उसके पास होगी ही होगी, ये मस्ट है। तो अब वेबसाइट सबके पास होती ही होती है, और अगर जिसके पास नहीं भी है वो दूसरों से वेबसाइट बनवाता है या कहीं और से वेबसाइट बनाता है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे देता है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, बट वेबसाइट होना मस्ट है। क्योंकि जब वेबसाइट होती है ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो वो अपने कंटेंट को वेबसाइट पे डाल सकते हैं, और उस कंटेंट को थ्रू आउट वर्ल्ड कोई भी यूज़ कर सकता है। तो वेबसाइट सबके पास होती होती है, और सारी वेबसाइट्स का जो फ्रंट एंड होता है, कम से कम चीज़, अगर मतलब आप कुछ भी नहीं वेबसाइट में रखोगे तब भी स्टैटिक कंटेंट तो रखोगे ही रखोगे। दैट मीन्स कुछ ना कुछ आप दिखाओगे वहाँ पे, और कुछ ना कुछ आप दिखाने के लिए तीन चीज़ें कम से कम आनी चाहिए आपको वेबसाइट बनाने के लिए। HTML, CSS, JavaScript तो आनी ही आनी चाहिए अगर आप एकदम स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहते हो। अगर आप डायनेमिक वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, कोई बिजनेस करना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट की हेल्प से, तो आपको बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, बट मिनिमम चीज़ आपको आनी ही आनी चाहिए। तो इसका मतलब वेबसाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ IT। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि चीज़ें जो आपको आनी आनी चाहिए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टाइलिंग के लिए कंपोनेंट यूज़ होता है वो सीएसएस होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सीएसएस का ट्यूटोरियल लेके आए हैं। और अगर आप HTML सीखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब पे जाके, वहाँ पे मैंने एक वीडियो बना के रखा है HTML इन वन वीडियो एंड HTML फॉर्म इन वन वीडियो, तो आप वो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करूंगा स्टेप बाय स्टेप, एकदम क्लीन एंड नीट। तो मेरा यहां पे कंटेंट है, सबसे पहले मैं कवर करूंगा व्हाट इज सीएसएस, हाउ टू राइट सीएसएस, सीएसएस क्या होता है, सीएसएस को लिखते कैसे हैं, सीएसएस में कमेंट्स कैसे लगाते हैं,
और कितने तरीके से हम CSS को लिख सकते हैं। तो हमारे पास मेनली तीन तरीके होते हैं, अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट CSS सेलेक्टर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को पकड़ना होगा तो आप उसके सेलेक्टर की हेल्प से पकड़ सकते हो। तो इसमें मैं तीन चार सेलेक्टर की बात करूंगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल अगर आपको आता होगा तभी आप विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें माहिर हो पाओगे। और फिर मैं सिखाऊंगा हाइट सेट करना, किसी भी बॉक्स की हाइट कैसे सेट कर सकते हो। उसके बाद मैं विड्थ के बारे में बताऊंगा, विड्थ के बारे में बताऊंगा कि विड्थ कैसे सेट कर सकते हो। विड्थ मोस्टली दो तीन तरीके से सेट कर सकते हो, और इंपॉर्टेंट चीज़ें विड्थ में बहुत होती हैं। जैसे विड्थ आप पिक्सल में सेट कर सकते हो, परसेंटेज में सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मार्जिन बताएंगे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो CSS स्टार्ट करते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है मार्जिन में और पैडिंग में, तो हम मार्जिन और पैडिंग की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दो कलर के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे, कि बैकग्राउंड कलर क्या होता है और फॉरग्राउंड कलर क्या होता है, और कैसे आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड फॉरग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। और मैं यहां पे बैकग्राउंड में इमेज वगैरह लगाना भी आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी डिटेल में बात करेंगे, जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज करना, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना, वेट चेंज करना, इस तरह की जो सारी चीजें हैं, डेकोरेशन मैं बताऊंगा एकदम डिटेल में। एंड उसके बाद फॉन्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें चेंज करना बताऊंगा। तो ये है हमारे इस वीडियो का मोटिव, और क्लियरली हम एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे जिसमें हम लोग और चीज़ बात करेंगे CSS, क्योंकि CSS इतने में नहीं खत्म हो जाता, ये तो बेसिक है CSS को स्टार्ट करने के लिए। CSS एडवांस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, CSS एनिमेशंस है, ऐसे करके बहुत सारा CSS है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ सीखोगे तभी आप आगे मूव कर पाओगे नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट चीज में। तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, सबसे पहले इतना डिस्कस करते हैं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज CSS, और एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ले चलता हूं और आपको सिखाता हूं कि CSS को कैसे हम लोग एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, CSS HTML और CSS को लिखने के लिए मैं यूज़ करूँगा VS Code टेक्स्ट एडिटर, जो कि बहुत एक एडवांस टेक्स्ट एडिटर है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको VS Code को कैसे आप इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, और अपना फिर एनवायरनमेंट कैसे सेट करोगे, दैट मीन्स प्रोजेक्ट कैसे सेट करोगे VS Code में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ओपन कर लोगे यहाँ पे अपना ब्राउज़र, और यहाँ पे टाइप करोगे VS Code डाउनलोड, VS Code डाउनलोड सर्च करोगे, और यहाँ पे जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी code.visualstudio.com, इस वेबसाइट को सब लोग ओपन कर लोगे। तो हम लोग भी इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मैक यूज़ कर रहे हो तो इस बटन पे क्लिक कर दोगे, लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आप देख लोगे किस पे, अगर उबंटू डेवियन का कोई सिस्टम उबंटू यूज़ कर रहे हो तो आप इस पे क्लिक कर लोगे, और अगर फिडोरा रेड हैट वगैरह कर रहे हो तो आप इस वाले बटन पे क्लिक कर दोगे। बट हम लोग यहाँ पे विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग विंडोज़ इस पे क्लिक करेंगे। आप सिंपली इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, जैसे आप क्लिक करोगे थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग VS Code फॉर विंडोज़, अपने आप थोड़ी देर बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे डाउनलोडिंग जब स्टार्ट हो जाएगा तो डाउनलोड इसको कर लीजिएगा, उसके बाद इस सिंपली सेटअप को चला दीजिएगा और नेक्स्ट 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 करके सेटअप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप सेटअप को इंस्टॉल करोगे तो आपको एक आइकन मिल जाएगा यहाँ पे VS Code का आइकन। अगर आपके डेस्कटॉप पे ये आइकन नहीं दिखेगा तो आप इस बटन पे क्लिक करिएगा और VS यहाँ पे टाइप करिएगा, सर विंडो सर्च में यहाँ पे VS टाइप करिएगा, आपको सबसे पहला यहाँ पे विंडो ये सबसे पहला आइकन दिख जाएगा। जैसे ही आइकन दिखेगा तो आप इसको ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। जब आप ओपन करोगे तो आपको फ्रंट पेज इसका दिखेगा, और हम लोग डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना लेंगे। तो डेस्कटॉप पे सिंपली राइट क्लिक करेंगे जब तक हमारा VS Code ओपन हो रहा है, और न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे CSS-CSS-Tutorial, ठीक है, CSS-Tutorial, ये हमारा फोल्डर है। और मैं आपको दिखा देता हूँ VS Code, जब आप ओपन करोगे तो ये VS Code की विंडो, ठीक है, ये VS की विंडो है, इस तरह का कुछ ओपन होगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको फाइल पे जाना है, यहाँ पे देखिए पहली बार ओपन करोगे तो यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा। तो आप क्या कर सकते हो, पहली बार इस पे भी क्लिक कर सकते हो, बट मैं फाइल पे जाऊंगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन फोल्डर, आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल के कंट्रोल ए ओ,
उसके बाद हम जैसे ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाने के बाद अपना सीएसएस का फोल्डर चूज़ कर लेंगे और फिर सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इतना करोगे आपका फोल्डर, देखिए सीएसएस फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सीएसएस फोल्डर आपके वीएस कोड के अंदर ओपन हो गया। अब हम लोग यहाँ से कोई फाइल फोल्डर बना सकते हैं अपने सीएसएस फोल्डर के अंदर। अगर आप ये तरीका नहीं फॉलो करना चाह रहे हो तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको इस सीएसएस वाले फोल्डर को ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर देना है, ये फोल्डर इसके अंदर आपके वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसके अंदर कुछ फाइलें बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको फाइल बनाना है तो यहाँ पे देखिए कुछ आइकन दिख रहा है, ये वाला आइकन है न्यू फाइल के लिए और ये वाला आइकन है न्यू फोल्डर के लिए। तो मैं आपको दोनों बनाकर दिखाता हूँ। अपने सीएसएस ट्यूटोरियल में सबसे पहले एक फाइल बनाऊंगा और फाइल का नाम दे दूंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक फाइल बन जाएगी और वो फाइल आपके यहाँ पे देखिए राइट साइड में ओपन भी हो जाएगी, आप डबल क्लिक करके इसको ओपन भी कर सकते हो। और अगर आपको फोल्डर बनाना होता तो आप इस बटन पे क्लिक करते हो और मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम दे रहा हूँ सी एस एस, ठीक है, तो आप फोल्डर बना सकते हो। तो आप चलो यहाँ पे भाई, हमने आपको बताया हुआ है कि एच टी एम एल कैसे लिखेंगे, एच टी एम एल में हेड बॉडी टैग ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और अगर आपको ये भी नहीं पता तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एच टी एम एल इन वन वीडियो का लिंक है, वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हो। तो चलिए भाई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम लोग कुछ लिखते हैं। तो एच टी एम एल लिखने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, एक्स मिलिट्री मार्क लगाना है और ये सजेस्ट करेगा कि अगर आप एंटर कर दो इस पे तो इतना कोड ही लिख देगा। तो आप यहाँ पे एंटर कर दोगे तो इतना कोड ऑलरेडी लिख के आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप टाइप करना स्टार्ट करिए एच टी एम एल और एच टी एम एल फाइव वाले पे लाइए और एंटर कर दीजिए, ठीक है। ये बेसिक बेयर बोन्स ऑफ एच टी एम एल ये पहले से राइट कर देगा, दैट मीन्स ये एच टी एम एल लिख देगा, हेड लिख देगा, बॉडी लिख देगा, ठीक है, एच टी एम एल हेड बॉडी ये सारी चीज़ें लिख देगा, आपको नहीं लिखना है। परफेक्ट, हम टाइटल यहाँ पे चेंज कर देंगे, हम लिख देंगे सी एस एस ट्यूटोरियल, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पे थीम अपना चेंज करके रखा है वीएस कोड पे। अगर आप भी इस थीम को चेंज करना चाहते हो, इसी को यूज़ करना चाह रहे हो, तो आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स पे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कलर थीम, और यहाँ पे मैंने देखिए ये वाला थीम चूज़ करके रखा है मोनो का है, इसको भी आप कर सकते हो, या आपके में बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डार्क विजुअल स्टूडियो थीम ये होगा। हम लोग सिंपली जाएंगे अपने, क्योंकि मैंने बहुत सारा मैंने सबलाइम पे भी बहुत सारा काम किया है, तो होता क्या है मुझे एक ही जैसा फील आए, इसीलिए मैं क्या करता हूँ अपना यही वाला थीम चूज़ करता हूँ। अब मेन बात आती है कि इस वाले फाइल को रन कैसे करेंगे। तो हम पहले बॉडी में भी कुछ लिख देते हैं और सी एस एस जो वी एस कोड है इसके अंदर एमेट पहले से इंस्टॉल है। भाई एमेट क्या होता है, तो एमेट हमें हेल्प करेगा जल्दी से एच टी एम एल लिखने की। जैसे आप लिखना चाह रहे हो एच वन टैग लगाना चाह रहे हो, तो आप लगाओगे एच वन और एच वन लगाने के बाद आप टैब दबा दोगे, या देखिए नीचे सजेस्ट कर रहा है, आप टैब भी दबा सकते हो, या देखिए ये सजेशन करेगा एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है एमेट, और एच वन लिख गया तो इसके अंदर कुछ कोड लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ सी एस एस, या पहले लिख देते हैं लर्न कोड विद दुर्गेश डैश सी एस एस ट्यूटोरियल, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब मेन बात आती है कि इस फाइल को रन कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो रन करने के लिए मैं यूज़ करूँगा वी एस कोड का लाइव सर्वर। तो आप देखो जैसे राइट क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन। बट अगर आप पहली बार विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करके इसको ओपन करोगे, राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइव सर्वर एक प्लगइन है। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट ऑन कर लीजिएगा, और इंटरनेट तो ऑन होगा ही होगा, तभी तो आपने वी एस कोड डाउनलोड किया होगा। और आप यहाँ पे आओगे, इस वाले बटन पे क्लिक करोगे एक्सटेंशंस पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सटेंशंस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव सर्वर, और वेट करेंगे। अगर नेट आपका स्लो होगा तो आप वेट करोगे, और ये देखो पहला जो ऑप्शन होगा ऋत्विक डे, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, बाय ऋत्विक डे, और यहाँ पे सिंपली आपको इंस्टॉल की बटन दिखेगी, इस बटन पे क्लिक कर दिएगा इंस्टॉल पे, ठीक है। मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ तो मेरे पे अनइंस्टॉल की बटन दिख रही है, आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इतना कर लोगे और कोई भी एचटीएमएल पेज बनाओगे तो जब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर, आप इस लाइव सर्वर पर क्लिक कर दीजिए और वेट करिए। ये क्या करेगा, ये आपके लाइव सर्वर को स्टार्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर दिया 5500 पोर्ट नंबर पे, और इस फाइल को आपके सर्वर पे रन कर देगा और आपका डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन कर देगा। तो ये देखिए इसने लाइव सर्वर ओपन कर दिया और अब मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन कर दिया, और ब्राउजर की हेल्प से हमारी फाइल क्या हो गई, रन हो गई। ब्राउजर ने जो हमने एचटीएमएल कोड लिखा वो एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पे।
तो इस तरीके से हम रन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कोई भी कोड यहाँ पे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लगा रहा हूँ H2, लिख देते हैं सिंपल CSS ट्यूटोरियल, और जैसे ही आप सेव करोगे तो लाइव सर्वर क्या करेगा आपके लिए, देखिए रिफ्रेश कर देगा अपने आप से, आपको फोर्सफुली मैन्युअली रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लाइव सर्वर आपका काम करता रहेगा। बस आपको यहाँ पे लिखना है और लिखने के बाद बस सेव करना है। तो सिंपली हम लोग इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं, या आप ऐसे ही कर दीजिए, और पेज को डिवाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज डिवाइड करने की कोई बात नहीं। आप क्या करिए, ऑल्ट और टैब दबाने के लिए, टैब दबाई विंडो चेंज हो जाएगी। जब आप कोई भी कोड यहाँ पे लिखिए, जैसे मैंने लिखा CSS बेसिक्स, और जैसे सेव करूंगा अब आपको रिजल्ट देखना है। तो क्योंकि मैंने इससे पहले इससे पहले क्रोम ओपन किया हुआ था, तो मैं ऑल टैब दबाऊंगा और हमारा क्रोम आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे चीज़ें रिफ्रेश हो गई, CSS बेसिक्स आ गया। फिर से वापस जाना है तो रिसेंट विंडो पे जाने के लिए ऑल टैब दबा के मूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, यहाँ पे आउटपुट देखूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना CSS ट्यूटोरियल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज CSS? CSS क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ HTML के बारे में बात की, CSS के बारे में बात ही नहीं की। तो HTML बेसिकली, सबसे पहले हमें CSS समझने के लिए HTML समझना पड़ेगा। तो HTML क्या होता है, सबसे पहले ये सारी टेक्नोलॉजीज वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ होती हैं, वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ होती हैं। HTML, CSS, JavaScript, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं। तो HTML क्या काम करता है, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो, HTML की हेल्प से आप उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो कि भाई हमारे वेबसाइट में होगा क्या क्या। जैसे आपने यहाँ पे HTML लिखा, तो आपने बता दिया कि हमारी जो HTML है, जो पेज है, उसके बॉडी में एक H1 होगा, फिर उसके बाद H2 होगा। इसी तरह आप यहाँ पे बता सकते हो कि हमारे बॉडी में एक डिव होगा, और उस डिव के अंदर एक और डिव होगा। दैट मीन्स आप एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ HTML। अगर मैं बात करूँ सिंपल, तो जो ह्यूमन का स्केलेटन होता है वो एक HTML होता है, कि आपकी बॉडी दिखेगी कैसे, हड्डियाँ। अब बॉडी दिखने से तो काम होता नहीं, जो स्ट्रक्चर स्केलेटन है वो अगर होता, सिर्फ आपके ऊपर खाल वाल नहीं होती, तब तो प्रॉब्लम हो जाती, तब तो प्रॉब्लम हो जाती। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, HTML की हेल्प से बना लेते हैं स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम लोग उसको सजाते हैं, दैट मीन्स हम लोग उसको स्टाइल करते हैं। अब स्टाइलिंग किसकी हेल्प से करोगे, स्टाइलिंग को यूज़ करने के लिए, स्टाइलिंग को करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं CSS। तो जब हम लोग CSS अप्लाई करते हैं वेबसाइट्स पे, तो वो वेबसाइट बहुत अच्छी लगने लगती है, एकदम गुड लुकिंग वेबसाइट बन जाती है, क्योंकि आप उस पर स्टाइल्स लगा देते हो, लाल, नीला, पीला, हरा, इमेज, बहुत सारी स्लाइडर, तमाम तरह के एनिमेशंस, ठीक है। तो वो सारा काम करते हो आप CSS की हेल्प से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट सिंपल सा डेमो बना दिया, जिसमें लिख दिया है, सिर्फ ऐसा ही टेक्स्ट लिख दिया। तो ये मैंने बताया, बनाया अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर। अब मुझे इसको सेंटर में करना है, इसका फॉन्ट बदलना, इस बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, बैकग्राउंड लगाना। तो जो स्टाइलिंग करूँगा वो CSS की हेल्प से करूँगा। तो अगर मैं CSS की बात करूँ, तो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल सेट। इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सेट, एंड CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। CSS हमें ये बताता है कि HTML एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, उनका कलर क्या होगा, उनकी स्टाइलिंग क्या होगी, उनका फॉन्ट क्या होगा, और अगर कोई बॉक्स है तो उसकी विड्थ, हाइट, पोजीशंस। अब आजकल तो डिज़ाइनिंग के लिए फ्लेक्स बॉक्स आ गए हैं। इसी तरह CSS की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और जैसे ही CSS में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो बहुत सारी मीडिया क्वेरीज आ गई हैं, उसकी हेल्प से आप CSS की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। जो पूरा बूटस्ट्रैप बना हुआ है रेस्पॉन्सिवनेस के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बैकएंड में पीछे मीडिया, CSS की मीडिया क्वेरीज ही चलती हैं। दैट मीन्स आप CSS से एक फ़ोटो ऐसा कर सकते हो कि बड़ी स्क्रीन पे ऐसी दिखे, छोटी स्क्रीन पे ऐसी दिखे, छोटी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट ऐसी दिखे, बड़ी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट ऐसी दिखे। दैट मीन्स ये भी CSS की हेल्प से पॉसिबल है। और दूसरी चीज़, CSS हमें हेल्प करता है कब, CSS हमें एक जगह पे और हेल्प करता है, CSS चीज़ों को बहुत आसान बना देता है काम करना। अगर CSS नहीं होता तो बहुत ही डिफ़िकल्टी से आप डिज़ाइनिंग कर पाते अपने वेबसाइट का। तो ये हम लोगों ने जाना कि CSS क्या होता है। सिंपल सा आप एक वर्ड समझिए कि CSS की हेल्प से हम अपने HTML पेज को, अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। बात करते हैं कि कैसे हम लोग को CSS लिखना है, दैट मीन्स CSS लिखने का सिंटेक्स क्या होता है। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास यहाँ पे HTML पेज है, तो मैं HTML पेज को बना देता हूँ। ये हमारा एक HTML पेज है, और हमारे इस HTML में
हम इस HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं, दैट मीन्स बहुत सारे कंपोनेंट्स हम लोग बना सकते हैं। एलिमेंट मतलब इसके अंदर बहुत सारे टैग लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक टैग लिखा है H1, ठीक है। तो टैग को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ऐसे कि ये हमारा टैग है, ठीक है, ये टैग है, H1 टैग लगा हुआ है, ठीक है, H1 टैग। और इसी तरह हमने और भी यहाँ पे बना दिए हैं H1 टैग, एक पेज के अंदर बहुत सारे H1 टैग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बताते हैं सिंटेक्स क्या होता है CSS लिखने का। तो हम लोग CSS में सिंटेक्स इस तरफ समझाऊंगा आपको। सबसे पहले सिंटेक्स समझने के लिए, जैसे आपको कोई भी CSS अप्लाई करना है तो CSS हमेशा HTML एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। दैट मीन्स हम इस H1 पे CSS अप्लाई कर सकते हैं, इस H1 पे और इस H1 पे, या अगर कोई div है यहाँ पे तो उस div पे भी हम लोग CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सेलेक्टर, ठीक है। क्या लिखना होता है? सेलेक्टर। सबसे पहले आपको सेलेक्टर लिखना होगा, जहाँ भी आपको CSS, जहाँ भी एरिया होगा, सबसे पहले आपको सेलेक्टर लिखना है। फिर आपको ये ब्रेसेस लगाना है, और ब्रेसेस ओपन करने के बाद ब्रेसेस को क्लोज कर देना है। और अब सारा आप जो भी CSS लिखोगे वो सारा CSS इसके बीच में लिखोगे। और CSS लिखने का एक तरीका ये है कि सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी लिखनी है। क्या लिखनी है? आपको प्रॉपर्टी लिखनी है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, फिर कोलन लगाना है, और उसके पास इस प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखनी है, दैट्स इट, और फिर सेमी कोलन लगा देना। ये हमेशा ऐसे ही हमेशा CSS लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको सेलेक्टर लिखना है, फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है, फिर प्रॉपर्टी लिखनी है, वैल्यू लिखनी है, और बीच में रहेगा कोलन, मतलब कोलन, नॉट सेमी कोलन, कोलन रहेगा, और यहाँ भी कोलन रहेगा, और फिर लास्ट में सेमी कोलन रहेगा वैल्यू के बाद, और फिर ब्रेसेस बंद कर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस H1 पे अप्लाई करना चाह रहे हो, तो H1 के तो तीन एलिमेंट हैं, और अगर आप डायरेक्ट H1 पे अप्लाई कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसकी एक आईडी दे दोगे, आईडी सपोज इसकी आईडी है F, ठीक है। तो आप सबसे पहले उस एलिमेंट को पकड़ोगे, सेलेक्ट करोगे, ठीक है, सेलेक्टर। तो हम आईडी सेलेक्टर को लिखने के लिए हम लोग हैज लगाएंगे, हैज F, तो ये हमारा सेलेक्टर हो गया इसकी जगह पे। और फिर आप ब्रेसेस ओपन करोगे और ब्रेसेस क्लोज कर दोगे, और बीच में आपको लिखना है प्रॉपर्टी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हो तो कलर एक प्रॉपर्टी है, तो हम लोग लिख देंगे कलर, और फिर रेड करना चाह रहे हो तो हम लोग रेड लगा के सेमी कोलन लगा देंगे। तो सिर्फ इसी वाले H1 का कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि आपने आईडी वाइज सेलेक्ट किया था, दैट मीन्स F इसी की आईडी थी तो इसी का हो जाता। बट इन केस अगर यहाँ पे हम लोग H1 लिख देते तो आपके पूरे पेज में तीन H1 है, ये, तो तीनों का कलर क्या हो जाता? तीनों का कलर हमारा हो जाता रेड हो जाता। तो ये हमारा सिंटेक्स है, हमेशा ये सिंटेक्स फॉलो करिएगा आप, ये वाला सिंटेक्स आप हमेशा फॉलो करिएगा, ये वाला सिंटेक्स, सेलेक्टर, फिर ब्रेसेस ओपन, प्रॉपर्टी और वैल्यू, और फिर ब्रेसेस बंद। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेलेक्टर के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि आप, जैसे मैंने आईडी के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को पकड़ा, टैग के थ्रू पकड़ा, उसी तरह आप क्लास सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो, सीडो सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे सेलेक्टर हैं। बट आपको सिंटेक्स याद रखना है कि लिखना कैसे है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ और लिख के बताता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे दो एलिमेंट्स बना के रखे हैं अपने बॉडी के अंदर, एक H1 और H2, और हम लोग CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं और CSS का सिंटेक्स समझना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग CSS लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, CSS तीन तरीके लिखते हैं। ये सारी चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे कितने तरीके हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग को इस H1 पे CSS अप्लाई करना है, तो हम लोग आ जाएंगे हेड के अंदर, और CSS लिखने के लिए आपको एक एरिया, एक जगह बनानी पड़ेगी, दैट मीन्स एक रूम बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जगह बनाने के लिए लिखेंगे स्टाइल टैग, ठीक है। जैसे ही आप स्टाइल टैग लगाओगे, ये एरिया, दिस एरिया इज रिजर्व फॉर CSS, आप इस पूरे पेज में अप्लाई होने वाले CSS के अंदर लिख सकते हो। दैट मीन्स इसके अंदर जो CSS लिखोगे वो इस बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन पे अप्लाई होगा। तो हम लोग को लगाना था इस H1 पे। तो हम लोगों ने अभी समझा था कि इस H1 की हम लोग एक आईडी दे सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी यहाँ पे टैग के वाइज लगा सकते हो। ये जो H1 टैग है इसको डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो, जैसे हमने कहा H1, और हम लोगों ने ये जो H1 है वो हमारा बेसिकली सेलेक्टर है। हम लोगों ने ऐसा बोला है कि भाई इस बॉडी के अंदर जितने भी H1 है उस पे मुझे इसके अंदर जो लिखा होगा वो CSS लगा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग प्रॉपर्टी में लिखेंगे कलर और यहाँ पे लिख देंगे रेड। तो हम लोगों ने ये बोला है कि इस बॉडी, इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी H1 है, हेडिंग 1 है, उसका कलर मुझे रेड कर देना है। तो ये बेसिकली सेलेक्टर है, उसके अंदर ये वैल्यू है, और ये प्रॉपर्टी है, और ये हमारी वैल्यू है। अगर हम जाएंगे अपने आउटपुट पे तो हम देख पाएंगे
कि हमारा जो H1 है वो क्या हो गया, रेड हो गया। लेकिन हम लोगों ने सारे सेलेक्ट सारे H1 पे अप्लाई कर दिया, इसका मतलब अगर हम इसके नीचे एक और H1 बनाते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग और सेव करते हैं, और अगर हम फिर से ओपन करते हैं तो देखो जस्ट फॉर टेस्टिंग ये भी रेड आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी CSS की हेल्प से क्या बोल दिया था, सारे H1, दैट मीन्स आपने एक टैग पे ही CSS अप्लाई कर दिया। अब वो टैग जहाँ जहाँ भी आएगा इस पेज में वो सारे एलिमेंट्स रेड हो जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो फॉन्ट स्टाइल, और फॉन्ट स्टाइल में आप रख सकते हो इटैलिक। तो इसमें क्या है, ये फॉन्ट स्टाइल भी एक प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है। तो इस H1 का जो फॉन्ट स्टाइल है वो इटैलिक हो जाएगा, दैट मीन्स इस पेज के सारे H1 देखिए इटैलिक हो जाएंगे। परफेक्ट। तो ये हमारा CSS का बेसिक सिंटेक्स है, और ये मैंने समझाया कि कैसे आपको CSS लिखना है उसका सिंटेक्स। अब हम लोग बात करते हैं कि CSS में कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे मुझे लिखना है कि दिस प्रॉपर्टी इज यूज फॉर चेंजिंग द टेक्स्ट कलर, और हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए ही सिर्फ रहे, बाकी लोग उसे ना पढ़ पाए। तो हम लोग कोई चीज़ यूज़र कमेंट मतलब हमारे लिए रहे, दूसरे लोग ये एग्जीक्यूट ना हो, दैट मीन्स ये अप्लाई ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, CSS कमेंट लगाने के लिए आपको नॉर्मल ये वाला सिंबल लगाना है, लेस देन, और ये वाला सिंबल लगाना है, दैट मीन्स स्लैश एस्टरिक, और फिर एस्टरिक स्लैश। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली अ कमेंट इन CSS। तो अगर आप इसके अंदर कुछ लिखते हो तो वो चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी क्योंकि ये कमेंट होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे दिस इज प्रॉपर्टी फॉर चेंजिंग द कलर ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा है ये लाइन दिस लाइन इज अ कमेंट, ये लाइन हमारी कमेंट है, और ये मल्टी लाइन कमेंट है, दैट मीन्स आप मल्टीपल लाइन तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे भी आप कुछ लिख सकते हो, सिंटेक्स होगा कलर देन योर कलर, वैल्यू में योर कलर। तो इस तरह से हम लोग कमेंट लगा सकते हैं अपने CSS के अंदर, दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ योर कमेंट। तो हम लोगों ने कमेंट लगाया है यहाँ पे, और अगर नीचे कमेंट लगाना है तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो और भी आसान है, आप कुछ लिख दीजिए, जैसे फॉन्ट चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल, और कमेंट लगाना है तो आप कंट्रोल दबा के स्लैश दबा दीजिए। जैसे कंट्रोल दबा के स्लैश दबाओगे अपने आप से कमेंट हो जाएगा, या अगर सब कुछ कमेंट करना है तो सारा सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश दबा दीजिए, तब भी कमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि हम लोग के पास कितने तरीके हैं CSS को लिखने के। तो फ्रेंड्स हम लोग के पास तीन तरीके हैं, हम CSS को तीन तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से तरीके हैं CSS को लिखने के। तो सबसे पहले तरीके जो हम सबसे पहला तरीका यूज़ कर सकते हैं वो है इन लाइन CSS। कौन सी? इन लाइन CSS, इसको हम लोग इन लाइन CSS बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे CSS लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे एक H3 है जिसमें लिखा है माई नेम इज़ दुर्गेश, माई नेम इज़ दुर्गेश कुमार तिवारी। ठीक है, तो इन लाइन CSS हमें इस पे अप्लाई करनी है, तो पर्टिकुलरली हम इसी एलिमेंट पे आके CSS लिखेंगे। तो हम इस एलिमेंट पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो स्टार्टिंग टैग है H3 उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाएंगे स्टाइल, और इसका हम कलर फॉन्ट साइज सब चेंज कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली हमने इस पे कलर लगाया, तो ये जो कलर वाली चीज़ है ये हमारा एट्रीब्यूट है, और फिर हम उसकी वैल्यू, इस कलर को हम लोग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो ये कलर प्रॉपर्टी है और हम उसका एट्रीब्यूट देंगे, सपोज हमने दे दिया ब्लू। ठीक है, तो अब ये जो स्टाइल लगा है कलर ब्लू वो सिर्फ और सिर्फ इसी H3 का होगा। अगर मैं सेव करता हूँ और अगर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा माय नेम इज़ दुर्गेश, और ये जो ब्लू कलर है वो सिर्फ इसी का है। इसको हम लोग बोलेंगे इन लाइन CSS। और सेमी कोलन के बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे इटैलिक करना होगा या बोल्ड करना होगा, तो सपोज हमें इटैलिक करना है तो हम लिख देंगे फॉन्ट डैश स्टाइल, और हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इटैलिक। ठीक है, तो हमारा क्योंकि जो भी CSS हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं वो सारा H3 के लिए है, तो ये भी जो हम CSS लिखेंगे वो भी H3 के लिए होगा। तो देखिए हमारे ये फॉन्ट, ये देखिए ये इटैलिक हो गया। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे CSS लगाते हैं तो वो होता है इन लाइन CSS, दैट मीन्स उसी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम
एक डिप बनाते हैं, अगर हमने एक डिप बनाया है और हम चाहते हैं कि हम इस डिप की विड्थ और हाइट सेट कर दें, तो आप इसके अंदर आ जाओगे और यहाँ लगाओगे स्टाइल, और विड्थ अगर सेट करना है तो आप विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, और यहाँ पे सपोज हमने 400 पिक्सल्स विड्थ सेट करनी है तो आप लिख दोगे 400 पिक्सल। अब अगर अभी देखोगे तो यहाँ पे डिप आ चुकी है बट दिख नहीं रही है, तो अगर आपको हाइट सेट करना है तो एक और प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, सेमी कोलन के बाद लिख दोगे हाइट, ठीक है, और हाइट में भी 400 पिक्सल दे दोगे। तो अब हमारी डिव जो बॉक्स है उसका जो विड्थ है 400 पिक्सल हो गया और हाइट भी 400 पिक्सल हो गया, बट फिर भी अभी नहीं देखा कि जो डिव होता है वो इनविजिबल कंटेनर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए, हम लोग इस पर एक बॉर्डर लगाएंगे, तो हम लिखेंगे बॉर्डर, चारों तरफ से मुझे बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर कितना कितना मोटाई होगी बॉर्डर की, तो हम लिख देंगे 1 पिक्सल, फिर स्पेस लगाएंगे और लिखेंगे बॉर्डर हमें सॉलिड चाहिए, और फिर हमें चाहिए कोई कलर, तो हम दे देंगे टोमेटो। अब बॉर्डर में आप देखिए तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं समझा रहा हूँ, ये जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है उसमें तीन चीज़ें हैं, एक पिक्सल ये होती है विड्थ ऑफ द बॉर्डर, दैट मीन्स कितनी मोटाई है, थिकनेस, उसके बाद सॉलिड ये होती है प्रॉपर्टी, बॉर्डर स्टाइल, दैट मीन्स ये सॉलिड हो सकती है, उसके बाद डॉटेड हो सकता है, डैश्ड हो सकता है, ग्रूव हो सकता है, और ये टोमेटो है, इट इज़ योर कलर, ठीक है। अब अगर हम सेव करते हैं तो आप देख पाओगे आपका जो बॉक्स बना है वो उसकी 400x400 का बॉक्स बन गया। तो ये जो CSS हम लोगों ने अप्लाई किया इसी बॉक्स के अंदर जाके स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करके, इसको हम लोग बोलते हैं इन लाइन CSS। अगर मैं इसकी मोटाई बढ़ाना चाह रहा हूँ तो हम यहाँ दे देंगे 20 पिक्सल, तो आप देख पाओगे बॉर्डर इसका जो विड्थ है मोटाई बढ़ गया। अगर आप डॉटेड रखना चाह रहे हो तो सॉलिड की जगह आप डॉटेड रख सकते हो। तो एक बॉर्डर प्रॉपर्टी भी देखिए हम लोग कवर कर लिया लगभग, ठीक है। इसी तरह कई सारी प्रॉपर्टीज है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे आपको बता रहे थे इनलाइन CSS, इनलाइन CSS आप उसी एलिमेंट पे जाके अप्लाई करोगे। इसका नुकसान ये है कि आपको जितने एलिमेंट हैं सब पे जा जाके CSS लगाना होगा। तो सपोज़ आपके पास 4 H1 है और चारों का रेड कलर करना है, कलर रेड करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको हर एक एलिमेंट पे जा जाके CSS लगाना होगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। लेट सपोज हम बना लेते हैं 4 H1, ठीक है, तो हम लिखिए H1 into, आप लगाइए ऐसे into 4 और टैब दबा दीजिए, तो देखिए 4 H1 बन गया। अब 4 H1 पे लिख देते हैं हम कुछ, हम लिख देते हैं फर्स्ट पे फर्स्ट लिख देते हैं, सेकंड पे आके लिख देते हैं सेकंड, और थर्ड पे आके लिख देते हैं थर्ड, और फोर्थ पे आके लिख देते हैं फोर्थ, ठीक है। सेव करते हैं तो आपको 4 H1 दिखेगा, नीचे देखिए 4 H1 दिख रहा है। अब ये देखिए ये स्टाइल रेड क्यों आ रही, क्योंकि हम ऊपर देखिए यहाँ पे हम लोग H1 पे कलर लगा चुके हैं रेड और फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, तो इसीलिए H1 आ रही है। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं इसको H2 कर देते हैं, अगर ज़्यादा आपको समझना है तो H2, अदरवाइज आप H1 से ही समझ लीजिए। तो 4 H1 है फॉर एग्जाम्पल, और हम चारों का कलर क्या करना चाह रहे हैं, ब्लैक, ठीक है, या हम लोग फॉन्ट बेड बनाना चाह रहे हैं, कोई भी स्टाइल हम लोग इस टेक्स्ट पे लगाना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए हम लोग हर एक के पास जाना होगा, तो हम लोग इसके पास जाएंगे स्टाइल, और लिख देंगे कलर ब्लैक, ठीक है। तो आप एक का कलर ब्लैक हो जाएगा, देखिए एक का कलर ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसका भी कलर चाहिए ब्लैक करना है तो इस पर फिर से लिखना पड़ेगा कलर ब्लैक। तो डिसएडवांटेज यही है कि आपको बार बार हर एक एलिमेंट पे जाना होगा चारों पे कलर को ब्लैक करने के लिए। मैं दिखा देता हूँ आपको, चारों पे कलर को ब्लैक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है इसकी। अब देखिए 3 हो गए ब्लैक, एक अभी भी रेड है क्योंकि ऊपर मैंने किया हुआ था, तो हम लोग चारों पे जाएंगे फिर कलर ब्लैक लगाएंगे। तो ये डिसएडवांटेज है इनलाइन CSS की। अगर फिर से आप चाहते हो कि भैया अलाइनमेंट ये सारे सेंटर पे आए, यहाँ पे आए, तो आपको यहाँ पे सबके पास जाना होगा, और यहाँ पे देखिए सबके पास जाना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं गया और मैं सबके पास जाने के लिए देखिए यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन और आपको लिखना पड़ेगा सेंटर, तो एक सेंटर पे आ जाएगा, देखिए फर्स्ट वाला सेंटर पे आ गया। अब यही चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी, दैट मीन इसके स्टाइल में भी, इसके स्टाइल में भी, इसके स्टाइल में भी। तो ये डिसएडवांटेज है इन लाइन की, आपको हर एक एलिमेंट पे जाके CSS लगाना होगा, दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इन लाइन CSS। तो हमें मिला दूसरा तरीका, सपोज हम सबका कलर ब्लैक करना चाह रहे हैं, तो हम लोग एक नेक्स्ट तरीका यूज़ करेंगे CSS लिखने का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS, ठीक है, इंटरनल CSS। दैट मीन्स ये जो CSS है वो हमारे इसी पेज
इसी पेज के लिए सीएसएस होगी, बट हर एक एलिमेंट के पास नहीं होगी, ये होगी हेड सेक्शन में, जो हम लोगों ने यहां पे ये जो स्टाइल लगा के लिखा था, इट इज अ इंटरनल सीएसएस। दैट मींस इस हेड के अंदर जो आप स्टाइल लगा के लिखोगे वो इंटरनल सीएसएस होगी। लिखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको हटा देंगे, इन सबको हटा देंगे और हम लोग ब्लैक एक ही बार में सारे H1 को करेंगे, ठीक है, एक ही बार में सारे H1 को करेंगे ब्लैक, देखते जाइएगा, ठीक है, हम लोग एक ही बार में सारे H1 को हम लोग ब्लैक करेंगे, ठीक है, ये H1 है, अभी रेड है, सबको ब्लैक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी टैग H1 पे ही क्या करेंगे, हम लोग ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे तो हम लोग ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, जैसा मैं आपको इसको हटा के फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे हेड सेक्शन में, और हेड सेक्शन में आएंगे, देखो हेड सेक्शन में आ जाएंगे, और इंटरनल सीएसएस लगाने के लिए आप हेड सेक्शन के अंदर यूज़ करोगे स्टाइल टैग। सबसे पहले आप स्टाइल टैग लिख लोगे, उसके बाद आपको स्टाइल टैग के अंदर आपको बताना होगा कि आप इस बॉडी के अंदर का कौन कौन सा टैग चाहते हो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भाई, हम चाहते हैं कि H1 के सारे टैग पे हमारा स्टाइल अप्लाई हो, तो हम लिख देंगे H1 और इसको बोलते हैं टैग सेलेक्टर। जैसे ही आप सिर्फ H1 लिखोगे ना, तो क्योंकि आप हेड में लिख रहे हो, तो यहाँ पे ये जो CSS अप्लाई हो जाएगी वो इस पेज के सारे H1 पे अप्लाई हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कलर, अब जो भी कलर दे दूँ, अगर यहाँ पे दे दूँ ब्लू कलर, तो इस पेज के सारे H1 क्या हो जाएंगे, आपके ब्लू कलर के हो जाएंगे। देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिख दूँ फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में रख देता हूँ सपोज 100 पिक्सल, ठीक है, तो सारे फॉन्ट साइज देखिए H1 सारे 100 पिक्सल के हो जाएंगे, देखिए बड़े बड़े हो गए, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ से कई सारे एलिमेंट को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, इसी पेज के कई सारे एलिमेंट को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको इटैलिक करना है, तो मैंने अभी यूज़ किया था फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल और इटैलिक, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक बोल्ड, ठीक है, इटैलिक, तो देखिएगा सारे ब्लू कलर के हो गए। सबको सेंटर पे करना है, तो सब पे आप टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर लगा दीजिए, तो सारे H1 सेंटर पे हो जाएंगे, देखिए सारे H1 सेंटर पे हो गए। इसी तरह अगर आप बॉर्डर देना चाहते हो तो आप बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर फिर से आप 1 पिक्सल सॉलिड या डॉटेड दे देते हैं भाई, 1 पिक्सल डॉटेड और हम टोमेटो, ठीक है। तो जो सारे H1 पे 1 पिक्सल का बॉर्डर होगा, डॉटेड होगा, टोमेटो कलर का होगा, देखिए ये देखिए, अब डॉटेड दिख नहीं रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो आप रख दीजिए 10 पिक्सल, अभी दिख जाएगा आपको डॉटेड, देख लीजिए चारों तरफ सबका 10 ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग 5 पिक्सल कर देते हैं, परफेक्ट। पैडिंग अभी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ऐसे ही सेट कर देते हैं, पैडिंग की मैं बात करूँगा अभी आगे चल के। तो पैडिंग हम दे देते हैं सबसे 10 पिक्सल की पैडिंग, ठीक है, इंटरनल डिस्टेंस, तो मैं भी बात करूँगा। तो ये हमारा, ये इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। अब यहाँ से इंटरनल CSS सिंपली मतलब होता है हेड सेक्शन में होगा, और हेड सेक्शन के अंदर से आप क्या कर सकते हो कि कई सारे एलिमेंट्स को एक साथ अप्लाई कर सकते हो, बट इसकी भी डिसएडवांटेज है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है भाई, देखते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए हमारा तीसरा तरीका होगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज आपके प्रोजेक्ट में 2 पेज हैं, एक इंडेक्स पेज है और एक अबाउट पेज है, तो एक पेज हम लोग और बना देते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे न्यू फाइल और नाम दे देंगे अबाउट, ठीक है, about.html एंटर कर देंगे, ठीक है, और इसमें भी हम लोग HTML लिख देते हैं, तो आप HTML लिखिए, HTML5 पे आइए और टैब दबा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल में अबाउट पेज, परफेक्ट। और आ जाते हैं बॉडी सेक्शन में, और बॉडी सेक्शन में हम लोग फिर से क्या करेंगे, हम लोग 4 H1 बनाएंगे, ठीक है, हम लोग H1 लिखेंगे और हम लोग N2 लिखेंगे और 4 लिखेंगे और टैब दबा देंगे, और आपकी मर्जी, आप खुद से बनाइएगा, मैं फिलहाल ऐसे ही H1 बना दे रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चारों में बारी बारी से लिखता हूँ कुछ, देखिए चारों में लिख देता हूँ, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ टेक सॉफ्ट इंडिया, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ ओनली जावा टेक, उसके बाद लिख देता हूँ लर्न कोड विद दुर्गेश, एंड उसके बाद लिख देता हूँ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अब इस पेज को भी रन कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं, तो आप देख पाओगे चारों चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी H1 के फॉर्म में। तो ये हमारा होम पेज है, इंडेक्स पेज है, और ये हमारा अबाउट पेज है। अब हम चाहते हैं कि बिना कोई CSS लिखे हुए इस H1 पे वही CSS अप्लाई हो जाए जो हमने इंडेक्स पेज पे अप्लाई किया था यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कॉमन CSS हो जो इधर वाले पेज पे भी अप्लाई हो और इस अबाउट पेज पे भी अप्लाई हो, दोनों पे अप्लाई हो।
तो ऐसा तो हो नहीं रहा इस पेज में, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो CSS वाला ये वाला पार्ट है वो हम यहाँ नहीं रखेंगे, इसको यहाँ से हम देंगे हटा देंगे, ठीक है, इसको हम लोग हटा देंगे और हम लोग एक फोटो एक पेज बनाएंगे, एक पेज और बनाएंगे, CSS फाइल स्टाइल शीट बनाएंगे, तो हम लोग अपने आ जाएंगे CSS फोल्डर में और यहाँ पे हम लोग न्यू क्लिक करेंगे और यहाँ एक फाइल बना लेंगे style.css, ठीक है। ये style.css रख इसलिए रखा है क्योंकि ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट की फाइल है, CSS की फाइल है, तो इसलिए उसका एक्सटेंशन आपको .css रखना है और वो चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा जो CSS था वो मैंने अलग कर लिया है दोनों पेज से, दैट मीन्स इसको आइसोलेट कर दिया है इंडेक्स के पेज से भी और अबाउट के पेज से। अभी लिंकिंग नहीं की है तो ना इस पर अप्लाई होगा ना इस पर अप्लाई होगा, देखिए सारे H1 वैसे ही है, ठीक है, ब्लैक कलर के। अब हमें क्या करना है, ये जो CSS बनाया है ये इस पे भी अप्लाई करना है और इस पे भी अप्लाई करना है, और ये जो अलग से CSS है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल के बाद एक्सटर्नल CSS की, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं एक्सटर्नल CSS, ठीक है, एक्सटर्नल CSS की मैं बात कर रहा था। और एक्सटर्नल CSS अप्लाई कैसे करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि आपको एक अलग से स्टाइल बनानी है, स्टाइल शीट बनानी है जिसका एक्सटेंशन रखना है .css, अब नाम आप कुछ भी रख दीजिए, और उसके बाद इस स्टाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा पेज में, जिस पेज में भी अप्लाई करना है। तो आप आ जाओगे हेड सेक्शन में और हेड सेक्शन के अंदर कुछ कोड लिखोगे, देखिए क्या कोड लिखना है आपको, आपको अगर VS कोड में हो तो आपको सिंपली लिखना है लिंक, और लिंक उसके बाद नीचे आ जाना है CSS पे, ठीक है, ये जो CSS दिख रहा है और एंटर कर देना है, परफेक्ट, ठीक है। या आप खुद से लिखना चाह रहे हो तो खुद से भी लिख सकते हो, आपको लगाना है टैग, लिंक टैग लगाना है, लिंक टैग, और इसमें लिखना है href, और href का मतलब होता है किस स्टाइल सीट को लगाना चाह रहे हो, तो मेरे जो स्टाइल सीट है वो CSS फोल्डर के अंदर है और CSS फोल्डर के अंदर नाम है स्टाइल सीट, और उसके बाद आपको लिखना है rel रिलेशन, और रिलेशन में आपको लिखना है स्टाइल स्टाइल सीट, और फिर एक चीज आपको और लिखनी होती है टाइप, ठीक है, या इतने से भी काम हो जाता है, अब आजकल जो ब्राउजर से बहुत मॉडर्न है तो समझ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करिए, इसको सिंपली बंद कर दीजिए, इसको सिंपली बंद कर दीजिए, ठीक है, परफेक्ट। अब आप जैसे रिफ्रेश करोगे तो देखोगे होम पेज पे सारी चीज़ अप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर जो आपने CSS लिखा है ये यहाँ पे अप्लाई हो जा रही है। तो इसको लिखने का एक शॉर्टकट है, अगर आप VS कोड के अंदर हो तो आप सिंपली लिखिए लिंक लिंक, एंटर कर दीजिए, और href के अंदर आप अपने CSS का पाथ दे दीजिए, तो इसके अंदर ये CSS अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब वही CSS हमें अप्लाई करनी है अबाउट पेज पे, तो हम लोग अबाउट पेज पे भी आ जाएंगे और हेड सेक्शन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ भी टाइप करेंगे लिंक और टैब दबा देंगे और href में अपनी CSS का लिंक दे देंगे। कैसे देंगे भाई, आपको लिखना है CSS फोल्डर, CSS फोल्डर इसलिए लिखना है क्योंकि हमारी जो स्टाइल सीट है यहाँ पे देखिए वो CSS फोल्डर के अंदर है, और फिर अपनी स्टाइल सीट का नाम और सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो आप देख पाओगे कि एक ही स्टाइल जो हमने इसके अंदर दे रखी है H1, वो इस पेज पे भी अप्लाई हो रही है और इस पेज पे भी अप्लाई हो रही है, देख लीजिए इंडेक्स पेज पे भी अप्लाई हो रही है, H1 सारे बॉर्डर्ड हैं, ब्लू कलर के इटैलिक हैं, अलाइन सेंटर हैं, और इस पेज पे भी वही अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉटेड कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डॉटेड की जगह आपको डैश करने हैं तो आप यहाँ पे डैश्ड भी दे सकते थे, तो आप देखिएगा ठीक है डैश्ड हो गए सारे बॉर्डर्स इस पे भी और इस पे भी। आपको अगर नॉर्मल रखने हैं तो आप सॉलिड भी रख सकते हो, सॉलिड रख सकते हो तो देखोगे सॉलिड हो जाएंगे, इसके विड्थ भी आप कम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल तो देखिएगा 2 पिक्सल के हो जाएंगे, ठीक है। इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, तो कलर ब्लू रखा था आप कलर टोमेटो कर देंगे तो कलर टोमेटो हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टाइल सीट अलग से बना के पूरे प्रोजेक्ट में जितने पेजेस हैं वो सारे पेजेस पे एक ही स्टाइल सीट अप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस इज़ नथिंग बट एक्सटर्नल CSS। तो याद रखिए CSS को लिखने के 3 जगह हैं, एक इंटरनल CSS, दैट मीन्स आप उसी एलिमेंट पे लिखोगे, बट डिसएडवांटेज ये है कि जितने एलिमेंट होंगे सबको स्टाइल करना होगा तो आपको सबके पास जाना होगा, स्टाइल करना होगा। दूसरा है इंटरनल CSS, इंटरनल CSS में क्या होता है भाई, इंटरनल CSS में आपको चीज़ें उसी डॉक्यूमेंट के लिए लिखनी होती है बट हेड सेक्शन के अंदर लिखनी होती है विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग, ठीक है स्टाइल टैग। बट डिसएडवांटेज इसकी ये है कि आप जो स्टाइल लिखोगे वो सिर्फ उसी पेज के लिए अप्लाई होंगी, अदर पेजेस के लिए अप्लाई नहीं हो सकती आपके प्रोजेक्ट में। तो अगर आपके पास 4 H1 है बट इसी पेज में वो स्टाइल अप्लाई करवाना चाहते हो तो आप हेड सेक्शन में आके और H1 पे चीज़ें लगा सकते हो, बट याद रखोगे कि वो H1 सिर्फ इसी पेज के लिए होना चाहिए। अगर आप
ऐसा चाहते हो कि हमारे प्रोजेक्ट में मैं एक ही स्टाइल लिखूं और वो सारे मल्टीपल पेजेस पे अप्लाई हो जाए, तो उस स्टाइल को आप अलग कर लीजिए, एक्सटर्नल सीएसएस की हेल्प से लिखिए, एक अलग से फाइल बना लीजिए और उसको लिंक कर दीजिए इससे, इस वाले लिंक टैग से, तो आपके प्रोजेक्ट में लिंकिंग हो जाएगी और जो स्टाइल आप यहाँ लिखोगे वो इस पेज पे अप्लाई हो जाएगी, और अगर इसी स्टाइल शीट को लिंक कर दोगे दूसरे पेज में तो इस पे भी अप्लाई हो जाएगी, तीसरे पेज में लिखोगे तीसरे पेज में भी अप्लाई हो जाएगी। तो इस तीन तरीके से आप स्टाइल शीट्स लिख सकते हो, सीएसएस लिख सकते हो, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, तो ये तरीका था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो अब देखते हैं कि हम लोग किस एलिमेंट पे CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग कैसे, क्योंकि हमारे पास बॉडी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे और अगर आप प्रोजेक्ट लेवल पे बात करोगे तो कई सारे एलिमेंट होंगे क्योंकि बहुत सारे पेजेस होंगे और पेजेस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो हम लोग सपोज़ आपके प्रोजेक्ट में 10 पेजेस हैं तो हम लोग किस एलिमेंट पे CSS अप्लाई करना चाहते हैं उसको कैसे पकड़ेंगे, दैट मीन्स सेलेक्ट करेंगे। सपोज आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, सपोज आप टीचर हो, आपके पास 5 स्टूडेंट हैं, तो आप किस स्टूडेंट को अवार्ड देना चाहते हो, किस स्टूडेंट को अवार्ड देना चाहते हो या किस स्टूडेंट को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, ये आप कैसे बताओगे? तो इसको बताने के लिए हमारे पास सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, हम सेलेक्टर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, हम मल्टीपल एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, एक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं और हम लोग एक जैसे कई सारे एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, दैट मीन्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे इस पे सीएसएस लगाना है। तो सपोज हमारे पास 5 एलिमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्टर की हेल्प से हम उनमें से 3 निकाल सकते हैं या 2 निकाल सकते हैं या 1 निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सेलेक्टर यू आर यूजिंग। तो हम लोग देखते हैं सेलेक्टर कैसे यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, तो हम लोग सिंपली एक न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे सेलेक्टर। ठीक है, selector.html और एंटर कर देंगे और सिंपली हम लोग यहाँ पे html लिख लेंगे, तो हम लिखेंगे html और यहाँ पे html:5 वाले पे एंटर कर देंगे। ठीक है, और हम लोग टाइटल में दे देंगे सेलेक्टर और हम लोग आ जाएंगे सेलेक्टर, देखेंगे क्या होते हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास चार h1 है, तो हम h1 बना देते हैं 4। ठीक है, तो आप लिखोगे h1 इंटू 4, एंटर कर दोगे, टैब दबा दोगे, ठीक, 4 H1 बन जाएंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम 4 H1 में से कुछ कंटेंट लिख देते हैं। तो सपोज हम लिख देते हैं यहाँ पे फटाफट फर्स्ट और फिर दूसरे में आके सेकंड और फिर तीसरे में आके लिख देते हैं थर्ड और चौथे में लिख देते हैं फोर्थ। ठीक है, अब हम इस पेज को ओपन कर लेते हैं, तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे हमारे पास चारों H1 प्रिंटेड हैं। अब हम चाहते हैं कि सेलेक्टर में एग्जांपल समझा रहा हूँ, अब हम चाहते हैं कि इस सारे टैग्स पे इस H1 पे भी हमारा जो कोई सीएसएस अप्लाई हो जाए, फॉर एग्जांपल सारे इटैलिक हो जाए सारे H1, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टैग सेलेक्टर। कौन सा सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, टैग सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। टैग सेलेक्टर बेसिकली होता क्या है कि आप टैग से एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैसे यूज़ करेंगे, आप हेड सेक्शन में आ जाओगे और यूज़ करोगे यहाँ पे इंटरनल सीएसएस और यहाँ लगा दोगे आप टैग स्टाइल। अब हमें सारे ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिनका टैग H1 है, तो आप सिर्फ H1 लिख दोगे और ब्रैकेट ओपन कर दोगे, ब्रेसेस क्लोज कर दोगे और यहाँ पे जो लिखोगे वो सारे H1 पे अप्लाई होगा। तो सपोज हम यहाँ लिख देते हैं फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट स्टाइल में हम लोग इटैलिक लिख देंगे, तो सारे H1 पे ये देखिए इटैलिक हो जाएगा। ये होता है टैग सेलेक्टर। इसी तरह अगर मेरे पास सपोज यहाँ पे 2 पैराग्राफ टैग हैं, p:2 एंटर, 2 पैराग्राफ और इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पैरा और इसमें लिखा हुआ है सेकंड पैरा। अब हम चाहते हैं, देखो फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा, हम चाहते हैं कि दोनों का फॉन्ट थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाए, तो हम लोग सारे पैरा को सेलेक्ट करने के लिए टैग सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर पी लिखेंगे और टैग का नाम लिखेंगे और सेलेक्टर में लिखा देंगे फॉन्ट साइज और साइज में हम लोग दे देंगे 50 पिक्सल, तो जितने भी पी होंगे सबका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, 50 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टैग सेलेक्टर, दैट मीन्स टैग्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें दिक्कत यही है कि सारे टैग्स पे आपके सीएसएस अप्लाई हो जाएंगे। बट सपोज हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम चाहते हैं कि भाई मुझे 2 H1 पे
दो एच वन का कलर मुझे रेड करना है, टोमेटो कलर करना है, और दो एच वन का मुझे ब्लू कलर करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब कैसे काम करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका ब्लू देना है, जिसका कह रहे हैं कि हमें जिसका भी कलर रेड करना है उसकी मैं एक क्लास दे दूंगा, ठीक है। हम लोग क्लास दे देंगे और कह देंगे रेड कलर करना है, रेड कलर करना है, ये क्लास है, ठीक है। रेड कलर करना है, इट इज़ अ क्लास नेम जो मैंने इसको दे दिया है, और यही क्लास नेम मैं इसको भी दे दूंगा, ठीक है। यही क्लास नेम हम इसको दे देंगे रेड कलर करना है, ठीक है, रेड कलर करना है। दैट मीन्स अब दो टैग के एक ही क्लास है, रेड कलर करना है, रेड कलर करना है। अब हम इसी रेड कलर करना है पे ही क्या लगा देंगे, अपनी स्टाइल। तो हमारे जिस जिस एलिमेंट के जिस क्लास में ये क्लास लगी होगी उस सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग आएंगे स्टाइल में, और यहाँ पे स्टाइल के अंदर जब भी हमें क्लास की हेल्प से टारगेट करना होता तो हम लोग को लिखना होता डॉट और क्लास का नाम, तो हम लिख देंगे रेड कलर करना है, और हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे कलर कोलन रेड, ठीक है। अब ये वाली चीज़, ये वाली स्टाइल उन्हीं कलर्स पे अप्लाई होगी, उन्हीं एलिमेंट्स पे अप्लाई होगी जिसका क्लास क्या रखा होगा, ये। तो देखिए ये H1 पे भी हम लोगों ने एक क्लास रखा है, H1 पे भी ये वाली क्लास रखी है। तो अगर हम पेज पे आए तो देखिए फर्स्ट और सेकंड पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे नीचे वाले दो को ब्लू रखना है तो हम लोग एक क्लास बना लेंगे ब्लू कलर, और इसमें भी ब्लू कलर बना सकते हैं, लगा देंगे वही क्लास, क्लास ब्लू कलर। और हम लोग आएंगे यहाँ पे, सबसे पहले टारगेट करेंगे क्लास को, तो हम लिखेंगे डॉट, और डॉट के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ब्लू डैश कलर, और यहाँ पे हम दे देंगे कलर कोलन ब्लू, सिंपल कलर कोलन ब्लू। और हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाओगे थर्ड फोर्थ पे ब्लू अप्लाई हो गया। तो क्लास की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप कई सारे एलिमेंट को आपके अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने ब्लू एक क्लास बना लिए डॉट की हेल्प से और सीएसएस कुछ लिख लिया है, तो जिस जिस एलिमेंट पे ये क्लास मैं देता जाऊंगा जो सीएसएस आपने लिखा है वो सारे एलिमेंट पे अप्लाई होती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक H1 और बनाता हूँ और उसमें लिख देता हूँ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और हम चाहते हैं इसका कलर हो जाए ब्लू, तो सिंपली हमें करना क्या होगा, हमें ये वाली स्टाइल चाहिए, दैट मीन्स ये वाला क्लास लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे क्लास ब्लू डैश कलर, सेव कर देंगे, और आप देख पाओगे ब्लू कलर हो जाएगा। अगर आपको रेड करना होता तो आप ऊपर वाली लगा दीजिए रेड डैश कलर डैश करना है, ठीक है, ये कलर, इसका कलर रेड हो जाएगा, परफेक्ट। आ रहा समझ में? तो क्लास, इसको बोलते हैं क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। तो हम दूसरा जो यूज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर का मतलब हम एलिमेंट्स के क्लास दे सकते हैं, एलिमेंट्स को क्लास दे सकते हैं, और फिर उन क्लास पे सीएसएस लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट। डॉट की हेल्प से हम क्लास को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सही से ऐसे बोलूं कि भाई डॉट की हेल्प से आप उन एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हो जिनकी क्लास आपने दी है, ठीक है, तो उन्हीं उन्हीं एलिमेंट पे वो सीएसएस अप्लाई होगी। एंड द लास्ट वन इज़ आईडी सेलेक्टर, लास्ट वन इज़ आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर का मतलब होता है अगर आपको यूनिकली किसी एलिमेंट को टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास H5 है या आपके पास एक P है जिस पे लिखा है आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर आपने लिखा है, देखिए आईडी सेलेक्टर, और आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा सीएसएस लिखूं जो सिर्फ और सिर्फ इसी पे अप्लाई हो और किसी एलिमेंट पे अप्लाई ना हो, दैट मीन्स वो सीएसएस यूनिक हो, यूनिक हो मतलब दोबारा किसी पे ना अप्लाई कर सकूं, तो सिंपली मैं इसकी एक आईडी दे दूंगा। मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ लिखूंगा आईडी और आईडी नाम दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा आईडी टेस्ट, दे सकते हैं आईडी टेस्ट। अब हम लोग इस आईडी पे स्टाइल लगा देंगे, तो हम लोग चलेंगे अपने स्टाइल के अंदर, आईडी पे, आईडी को टारगेट करने के लिए हमको लिखना होता है हैज, और फिर हम लोग देखेंगे टेस्ट, और हम जो यहाँ पे अपना लगाएंगे कलर वगैरह, कलर हम लोग लगाएंगे, जो भी यहाँ पे लगाएंगे वो सिर्फ उसी आईडी वाले एलिमेंट को अप्लाई होगा। देखिएगा, सेव कर दे, रिफ्रेश, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, तो देखिएगा ये फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट हम लोग 100 रख देते हैं, तो फॉन्ट वेट भी हल्का पतला हो जाएगा या और पतला कर सकते हैं। दैट मीन्स हम तीन तरह के एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है टैग सेलेक्टर, टैग से सारे एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं।
दूसरा सेलेक्टर है क्लास सेलेक्टर, हम उन्हीं उन्हीं डॉट की हेल्प से हम उन्हीं उन्हीं क्लास के सेलेक्टर को टारगेट सकते, हम उन्हीं एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं जिनकी हमने क्लास दे रखी हो विद द हेल्प ऑफ क्लास सेलेक्टर, कुछ इस तरीके से। और थर्ड आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर की हेल्प से हम लोग यूनिक एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक सेलेक्टर हैं। उसके बाद आप बहुत सारे सेलेक्टर पढ़ोगे, तो मैं रिकमेंड करूँगा, ये मैं लिंक दे दूँगा आपको, w3schools.com की लिंक है, इस लिंक पर जाइएगा और यहाँ से सेलेक्टर सारी देख लीजिएगा। किसी को याद नहीं रहते हैं सेलेक्टर्स, ठीक है? तो आप यहाँ पर जाइएगा, गूगल पर जाइएगा और सिंपली लिंक टाइप कर दीजिएगा और ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सेलेक्टर हैं, बेसिकली बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, आप यहाँ से स्टडी करिए। बट अभी आप बिगिनर हो तो मोस्टली सारा काम इसी से हो जाता है और हम लोग भी सारा काम इसी से करते हैं। तो टैग सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आई डी सेलेक्टर इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर आपको आगे जाने की ज़रूरत होगी तो मैं उसका लिंक में तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उस पर देख लीजिएगा। तो बॉक्स मॉडल देखते हैं क्या होता है। तो बॉक्स का मतलब होता है जब फ्रेंड हम कोई HTML की कोडिंग करते समय जब हम कोई लेआउट बनाते हैं तो उसको कंसिडर किया जाता है एक तरीका का बॉक्स। फॉर एग्जांपल आप बॉक्स बना रहे हो, उसके अंदर कोई कंटेंट रख रहे हो, तो उसका एक मॉडल देखने जा रहे हैं कि उसको उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम कैसे उसको चीज़ को समझ सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप एक बॉक्स बनाते हो, कुछ ऐसा बॉक्स बना रहे हो, ठीक है? ये बॉक्स बना रहे हो, अब इस बॉक्स को बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिव टैग और एनी अदर टैग विच हैज़ डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है? तो हम लोग एक बॉक्स सपोज बना लिए, इसको मैं अभी प्रैक्टिकल भी समझूंगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग समझते हैं कि इस बॉक्स का मॉडल क्या है, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझ सकते हैं और हम लोग अगर उन पर फोकस करते हैं तो हम लोग की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, देखते हैं। तो सबसे पहले जब आप कोई बॉक्स बनाते हो तो दिस इज कंसिडर एज योर बॉक्स। तो ये हमारा एक बॉक्स है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा बॉक्स, ठीक है? ये बॉक्स है, मेन कंटेंट यहां पे होता है, दिस इज योर कंटेंट। आप यहां पे कंटेंट लिखोगे, यहां पे कंटेंट लिखोगे। अब बात आती है कौन कौन से कंटेंट आप यहां पे लिखोगे। तो कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट का मतलब होता है इस बॉक्स के कंटेंट की जगह पे आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे मुझे लिखना है हेलो दिस इज माय बुक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो दिस इज माय बुक, या और भी कंटेंट है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर मुझे कोई इमेज की ज़रूरत होगी तो हम इसके अंदर इमेज भी रख सकते हैं और कंटेंट में हम लोग टेक्स्ट इमेज दोनों साथ में भी रख सकते हैं, ठीक है? तो कंटेंट आर द कंटेंट वेयर द टेक्स्ट एंड इमेजेस अपीयर, यहाँ पे टेक्स्ट और इमेजेस आएंगी। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये जो होता है रेड कलर का मैंने बनाया हुआ है, रेड कलर का बॉक्स ये जो है, इसकी जो विड्थ है दिस इज योर बॉर्डर, ठीक है? ये चीज जो है वो, सो दिस इज योर बॉर्डर, इसकी जो विड्थ है यहां पे ये चीज पर, और इसके अंदर की डिस्टेंस जो ये चीज है, ये दिस इज योर पैडिंग, ठीक है? ये हमारी पैडिंग है और ऊपर वाली डिस्टेंस जो होती है वो हमारी मार्जिन होती है, मार्जिन। और रेड कलर का जो चीज़ लिखा है वो तो बॉर्डर है ही, जो इसकी विड्थ है ये। तो याद रखिएगा, कभी आप कोई ऐसा बॉक्स बनाते हो तो अंदर की चीज़ होती है कंटेंट और बॉक्स के अंदर वाली डिस्टेंस होती है पैडिंग और बॉक्स से ऊपर वाली डिस्टेंस होती है मार्जिन, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, ये वाली ऊपर वाली डिस्टेंस है मार्जिन, तो अगर ये टॉप पे है तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन टॉप, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन टॉप। और यहाँ भी जो बॉर्डर के बाहर वाली डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिन, बट ये राइट में है तो इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिन राइट। अभी मैं बताऊँगा इसका यूज़ भी है जब आप मार्जिन सेट करोगे। फिर इसी तरह इसके बाहर वाली डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिन, लेकिन ये नीचे है तो इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम। और इसी तरह हम लोग लेफ्ट में ये मार्जिन होता है, और अगर लेफ्ट में है तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट। अब पैडिंग के केस में भी यही है, पैडिंग के केस में जो बॉर्डर के अंदर वाली डिस्टेंस है ये पैडिंग होती है, बट ये राइट में है तो इसको पैडिंग राइट बोलते हैं। ये वाली डिस्टेंस पैडिंग है बट ये नीचे है तो इसको ऊपर है तो उसको बोलेंगे पैडिंग टॉप, और ये वाली डिस्टेंस लेफ्ट में है इसको बोलेंगे पैडिंग, तो उसको बोलेंगे पैडिंग लेफ्ट, इधर पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग राइट। इस तरीके से हमारा बॉक्स मॉडल होता है। तो एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, और तो थोड़ा नीट एंड क्लीन। तो दिस इज योर बेसिकली अ बॉक्स मॉडल, ये हमारा बॉक्स मॉडल है जो मैं भी आपको समझा रहा था। आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे बीच में है कंटेंट,
दिस इज़ योर कंटेंट, यहाँ आप लिखोगे कंटेंट एक्चुअली, या फिर टेक्स्ट इमेज लगाओगे, और कंटेंट और ये आपका बॉर्डर है जो रेड कलर का अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये आपका बॉर्डर है, दिस इज अवर बॉर्डर, और ये होती बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर विड्थ, ठीक है। और इसके नीचे की डिस्टेंस है इट इज़ पैडिंग, और इस बॉर्डर के ऊपर की डिस्टेंस है इट इज़ मार्जिन, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ लिखा भी है मार्जिन, एंड दिस इज़ बॉर्डर, दिस इज़ पैडिंग, और यहाँ पे कंटेंट है। तो कभी भी आप कोई चीज़ बनाओ, यहाँ पे सपोज हमने बटन बना दिया, और बटन में अगर पैडिंग टॉप बढ़ाओगे तो ये डिस्टेंस बढ़ेगी, पैडिंग के ऊपर वाली डिस्टेंस, पैडिंग सॉरी अगर मार्जिन टॉप बढ़ाओगे तो ऊपर वाली डिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर पैडिंग टॉप बढ़ाओगे तो अंदर वाली डिस्टेंस बढ़ेगी, अगर आप मार्जिन लेफ्ट बढ़ाओगे तो ये वाली डिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर पैडिंग लेफ्ट बढ़ाओगे तो अंदर वाली डिस्टेंस बढ़ेगी। इसी तरह पैडिंग बॉटम बढ़ाओगे तो अंदर वाली डिस्टेंस, मार्जिन बॉटम बढ़ाओगे तो बाहर वाली डिस्टेंस, इसी तरह राइट के लिए भी है, अगर मार्जिन दैट मीन्स बाहर वाली डिस्टेंस, पैडिंग मतलब अंदर वाली डिस्टेंस। तो ये चीज़ याद रखोगे बॉक्स मॉडल में, और इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक ऐसे ही एग्जाम्पल लेके। तो हम लोग चलते हैं अपने एडिटर, तो हम लोग यहाँ पर एडिटर आ गए, और हम लोग सेलेक्टर वाला फाइल बना के रखे हैं, सेलेक्टर में ही हम लोग चीज़ें समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बॉक्स मॉडल एग्जाम्पल, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग बॉक्स बनाएंगे। देखिए हम लोग CSS लगाना सीख गए हैं, हम लोग क्या करेंगे एक डिव बनाएंगे, डिव बना सकती है आपका बॉक्स, और इस डिव का एक क्लास दे देंगे क्योंकि हम क्लास के थ्रू टारगेट करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे क्लास और नाम दे देंगे इसका कंटेनर, क्लास कंटेनर। अब हम लोग आएंगे अपने ऊपर यहाँ पे, क्योंकि हम लोग लगाने वाले हैं इनलाइन इंटरनल CSS, तो हम लोग क्लास को टारगेट करना है, तो हम लिखेंगे डॉट और लगा देंगे यहाँ कंटेनर, ठीक है कंटेनर। अब ध्यान से देखिएगा कंटेनर बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी विड्थ सेट करते हैं, तो हम लिखेंगे विड्थ, और विड्थ में हम दे देंगे 500 पिक्सल। इसी तरह हम लोग दे सकते हैं हाइट, तो हम लोग दे देंगे हाइट, हाइट में दे देंगे हम लोग 500 पिक्सल। बट अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि जो कंटेनर जो बॉक्सेस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इनविजिबल होते हैं, ठीक है, बॉक्सेस हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट इनविजिबल होते हैं। तो हम लोग इनको विजिबल करते हैं, विजिबल करने के लिए या तो आप इनका बैकग्राउंड रख दीजिए, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बैकग्राउंड रख देते हैं टोमेटो, तो देखिएगा ये विजिबल हो जाएंगे, ये देखिए 500 बाय 500। इनका बॉर्डर भी हम लोग रख सकते हैं, या अब टोमेटो को हटा के बैकग्राउंड को हटा के बॉर्डर सेट कर देते, बॉर्डर सेट करना मैंने बहुत बार सिखाया, आप लिखिए बॉर्डर, और बॉर्डर में कितने कितने मोटाई का बॉर्डर चाहिए, तो हम लिख देंगे 2 या 5 पिक्सल, और सॉलिड चाहिए मुझे क्योंकि अभी चीज़ें मुझे समझनी है, सॉलिड चाहिए। उसके बाद कलर दे दीजिए, कलर टोमेटो दे दीजिए या सैंडी ब्राउन दे दीजिए, देखेंगे। देखिए ये है हमारा, ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसका बॉर्डर विड्थ और बढ़ाते हैं, तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ बॉर्डर विड्थ सपोज 50 दे देता हूँ, तो आप देख पाओगे बॉर्डर विड्थ ही रही बॉर्डर, परफेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, तो इसके अंदर लिखने के लिए आप देखो यहाँ पे, इसके अंदर लिखने के लिए आप सिंपली आप डिब में और यहाँ पे H1 लगा दो, H1 और लिख दो यहाँ पे इनसाइड बॉक्स, ठीक है इनसाइड बॉक्स। तो आप देख पाओगे यहाँ पे इनसाइड बॉक्स आ गया, ठीक है इनसाइड बॉक्स आ गया। अब हम लोग पैडिंग और मार्जिन देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम मार्जिन टॉप सेट करते हैं, ठीक है अगर हम मार्जिन टॉप सेट करते हैं या मार्जिन टॉप सेट कर देते हैं, तो ये टॉप से डिस्टेंस है, दैट मीन्स पैडिंग इस मार्जिन के ऊपर वाली, ये वाली डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ 100 पिक्सल, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसके ऊपर वाली, ये देखिए ये डिस्टेंस बढ़ गई। अगर आप मैं इसको बढ़ाता हूँ सपोज 300 देता हूँ, तो आप देखिएगा टॉप वाली डिस्टेंस, ये देखिए ये बढ़ रही है। अगर आप 400 दे दो तो ये बढ़ रही है। बट अगर यहाँ पे अगर आप पैडिंग टॉप लिख दोगे तो अंदर वाली डिस्टेंस, पैडिंग टॉप में इनसाइड बॉक्स वाली डिस्टेंस बढ़ेगी। देखिएगा मैं लिख देता हूँ पैडिंग डैश टॉप, और पैडिंग टॉप में अगर मैं 400 पिक्सल दे दूँ, तो आप देखोगे कि ये देखिए 400 पिक्सल ये वाली डिस्टेंस बढ़ गई। इस तरह से हम लोग बॉक्स बना सकते हैं डिव की हेल्प से, और हम लोग उस पर पैडिंग मार्जिन सेट कर सकते हैं। अभी हम लोग पैडिंग और मार्जिन अलग से टॉपिक कवर करेंगे, तो देखेंगे पैडिंग में टॉप बॉटम सब शॉर्ट हैंड नोटेशन कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा हाइट विड्थ और मार्जिन की बात कर लेते हैं, कि हाइट विड्थ और मार्जिन क्या होता है, और इसको कैसे समझेंगे, और इसके शॉर्ट नोटेशन हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हाइट और विड्थ, और यहाँ पे चार चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, एक सिंपल हाइट, सिंपल विड्थ, फिर मैं डिस्कस करूँगा मैक्सिमम हाइट, और फिर मैं डिस्कस करूँगा मैक्सिमम विड्थ,
और इनको परसेंटेज में सेट करना सिखाऊंगा आप लोगों को, कैसे आप परसेंटेज और पिक्सल में काम कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली दो ही बात करूंगा, परसेंटेज और पिक्सल। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे और कैसे काम करेंगी और हम लोग इनको कैसे यूज़ कर पाएंगे फ्रेंड। तो ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं हाइट विड्थ। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ब्लॉक बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक बॉक्स बनाया, अभी हम लोगों ने समझा था बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे बॉक्स है, तो हम सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे। तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे एक बॉक्स है, इस पे मैं इसमें जो ये चीज़ है ये विड्थ है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या चीज़ आपको, ये जो चीज़ है ये विड्थ है इसकी, इसकी विड्थ ये, ठीक है। और इसमें ये चीज़ है इसकी हाइट है, इसमें ये चीज़ है जो इसकी हाइट है, ठीक है। अब इसकी हाइट विड्थ कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं ये चीज़ समझते हैं। तो हम लोग हाइट विड्थ सेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे विड्थ सेट करने के लिए। और सपोज ये W मुझे देना 300 पिक्सल, तो हम 300 पिक्सल दे देंगे, ठीक है। तो इस ये वाली जो विड्थ होगी वो 300 पिक्सल हो जाएगी, ये वाली विड्थ 300 पिक्सल हो जाएगी। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस बॉक्स की विड्थ उतनी भी विड्थ हो जितने हमारे ब्राउज़र की विड्थ है, दैट मीन्स 100% विड्थ हो जितने इसकी पेरेंट की विड्थ है, ठीक है, इसके पेरेंट की विड्थ है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे विड्थ, और विड्थ में हम लोग दे देंगे 100%। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे बॉक्स की विड्थ 50% ऑफ इट्स पेरेंट हो, तो हम लोग यहाँ विड्थ दे देंगे, 50%। विड्थ हम लोग क्या दे देंगे, 50%। इस तरह हम लोग परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब विड्थ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हाइट भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइट भी एग्जैक्टली ऐसे ही सेट कर सकते हो। हाइट सेट करने के लिए आप यूज़ करोगे हाइट, हाइट और हाइट में भी आप पिक्सल में वैल्यू सेट कर सकते हो, और भी यूनिट्स हैं बट ज़्यादा पिक्सल यूज़ होता है। इसी तरह हाइट भी आप परसेंटेज में भी सेट कर सकते हो, ठीक है। हाइट भी, हाइट में भी आप दे सकते हो यहाँ पे 50%। तो पेरेंट के, अगर पेरेंट 100% है तो 50 हो जाएगी, दैट मीन्स अगर पेरेंट की विड्थ है 100 पिक्सल तो इसकी 50 पिक्सल हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे भी अगर आपको कोई और रखना है, तो आप जैसे 30% रखना चाह रहे हो तो 30% रख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये विड्थ और हाइट की बात रही, अब हम थोड़ा इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो हम लोग ये सारा प्रैक्टिकल समझने के लिए एक नई फाइल बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नई फाइल पे क्लिक करेंगे और हम डालेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डॉट एच टी एम एल, ठीक है, एच टी एम एल। और यहाँ पे हम लोग बेसिक एच टी एम एल लिख लेंगे, बेसिक एच टी एम एल। और हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, तो बॉक्स बनाने के लिए सिंपली हम डिव लिखेंगे और इसकी एक क्लास दे देंगे कंटेनर क्लास, ठीक है, कंटेनर क्लास। और हम लोग आएंगे इसको टारगेट करेंगे अपने स्टाइल सीट, इंटरनल स्टाइल सीट से। तो क्लास को टारगेट करने के लिए सिंपली आप लगाओगे डॉट कंटेनर, क्या लगाओगे, डॉट कंटेनर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कंटेनर की विड्थ सेट करते हैं। तो विड्थ सेट कर, देखिए विड्थ सेट करने के लिए सिंपली आप लिखोगे विड्थ, ठीक है, विड्थ। और हमने कहा भाई 50% या समझ लो 300 पिक्सल दे देते हैं। और इसी तरह हम लोग हाइट सेट कर देते हैं, हाइट, हाइट भी 300 पिक्सल सेट कर देते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये इनविजिबल कंटेनर होगा, तो हम इसीलिए बैकग्राउंड भी सेट कर देंगे। बैकग्राउंड आप लिखोगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में आप टोमेटो वगैरह लिख सकते हो, ठीक है, कलर है, राइट क्लिक करिए और ओपन विथ सर्वर कर लीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका बॉक्स रेडी है, 300 बाय 300 बाय 300, 300 इसकी विड्थ है और 300 इसकी हाइट है, ठीक है। तो आप ऐसे सेट करोगे। अब अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर एक और कंटेनर हो, तो हम यहाँ पे एक और डिप बना रहे हैं, एक और बॉक्स इसके अंदर बना रहे हैं, जिसका नाम दे देंगे हम, जिसकी क्लास हम लोग दे देंगे इनसाइड डैश कंटेनर। इनसाइड कंटेनर मतलब अंदर वाला कंटेनर, या आप इसको इनर कंटेनर कर दीजिए और अच्छे से समझ में आएगा आपको, इनर कंटेनर। और हम लोग आते हैं इनर कंटेनर पे भी क्लास लगाते हैं, तो हम लिखेंगे इनर कंटेनर, इनर डैश कंटेनर। और हम लोग एग्जैक्टली इसकी विड्थ क्या देंगे, ध्यान से देखिए, इसकी विड्थ हम लोग सबसे पहले 100% देते हैं और हाइट भी 100% दे देंगे, हाइट भी 100% दे देंगे, हाइट भी 100% दे देंगे। और इसका बैकग्राउंड हम रख देंगे ब्लू, क्या रख देंगे, बैकग्राउंड रख देंगे ब्लू। तो अब इस अंदर वाले कंटेनर की विड्थ 100% होगी, मतलब जितनी विड्थ इसके पेरेंट की है, दैट मीन्स जितनी कंटेनर की है, दैट मीन्स इसकी भी विड्थ 300 पिक्सल हो जाएगी और हाइट भी 300 पिक्सल हो जाएगी। आप देखो एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा, बट अगर यहाँ पे विड्थ आप 50% कर देते हो,
देखिए वे 50% कर देते हो, तो देखिए इसकी विड्थ 50% है, पेरेंट की 100% 300 पिक्सल थी, तो इसकी विड्थ हो गई भैया हमारी यहाँ पे 150 पिक्सल। ठीक है, अगर हम देखो पेरेंट की विड्थ बढ़ाते हैं, दैट मीन्स अगर पेरेंट की विड्थ हम 600 करते हैं, 600 करते हैं, तो आप देख पाओगे उसकी विड्थ अपने आप 300 हो जाएगी, देखिएगा, क्योंकि आपने डायनेमिक 50% दिया। ठीक है, तो देखो 600 दैट मीन्स इसकी 50, तो परसेंटेज भी आप परसेंटेज में भी आप वैल्यू रख सकते हो, बट याद रखिएगा परसेंटेज हमेशा काम करेगा पेरेंट के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्या करते हैं, इस कंटेनर की विड्थ 100% देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसके पेरेंट बॉडी की विड्थ जो है वो फुल जितनी हमारे देखिए 100% है, तो इस इन साइड कंटेनर की विड्थ देखिए क्या है यहाँ पे 50%, मतलब आधा है। अगर हम क्या करते हैं इस पर मार्जिन ऑटो कर देते हैं, मार्जिन ऑटो, ऑटो ऑटो का मतलब मार्जिन जो कैलकुलेट होगा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, तो आप देखोगे कि इसका मार्जिन ऑटो है, दैट मीन्स ये सेंटर पे आ जाएगा, आधा पार्ट इधर छूटा रहेगा और आधा पार्ट इधर छूटा रहेगा, तो परफेक्ट, ये चीज़ परफेक्ट है किसी चीज़ को सेंटर में करने के लिए, कि आप उसकी विड्थ फिक्स कर दीजिए और फिर मार्जिन आप ऑटो कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप विड्थ और हाइट सेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू पेरेंट। ठीक है, एक चीज़ और होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, कभी भी आप अपने किसी भी कंटेनर की विड्थ जितनी आपकी विंडो है उस हिसाब से रखना चाह रहे हो, व्यू पोर्ट हाइट इसको बोलते हैं, दैट मीन्स हम चाहते हैं कि भैया जितने हमारे ब्राउज़र की विड्थ होनी चाहिए, जितनी हमारे ब्राउज़र की विड्थ है उतनी ही विड्थ हमारे इस कंटेनर की होनी चाहिए, तो आप विड्थ और हाइट कुछ भी रख सकते हो, जैसे मान लो आप सपोज हाइट की बात कर रहे हो, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप 100, 100 मतलब फुल वी एच, ये होती है वी एच फॉर व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, तो ये देखिए फुल फुल आ जाएगा, जितनी आपकी व्यू पोर्ट मतलब स्क्रीन की हाइट कह सकते हो उतनी हमारी हाइट हो। इसी तरह विड्थ को अगर 100% करना हो तो व्यू पोर्ट विड्थ यूज़ कर सकते हो 100, 100 वी एच, 100 वी डब्ल्यू, व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, इसका मतलब 100% होता है। ठीक है, जितनी आपकी, अब अगर आप छोटा ओपन करोगे तो ये मानी जाएगी ब्राउज़र की विड्थ वी एच होगी और हाइट भी इतनी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो, कभी भी आपको फुल स्क्रीन चीज़ें करनी है तो आप वी एच और वी डब्ल्यू यूज़ कर सकते हो, वी डब्ल्यू मीन्स व्यू पोर्ट विड्थ एंड वी एच मीन्स व्यू पोर्ट हाइट, अदरवाइज आप परसेंटेज में काम करो, और बाकी यूनिट्स भी होती है, ई एम आर ई एम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत अभी नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो आप उसको समझ लीजिएगा। हाइट इस तरह समझते हैं, अब हम लोग कुछ चीज़ें और समझते हैं। इसी तरह जिस तरह हम लोग ने विड्थ और हाइट समझा, उसी तरह एक प्रॉपर्टी होती है मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट। मैं आपको समझा दूं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी जब हम डिज़ाइनिंग सीख रहे थे, तो मैं आपको समझा देता हूँ विड्थ, हम आपको समझा दे रहे हैं कि क्या एक्चुअली होती है मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब समझते हैं मैक्स हाइट और मैक्स विड्थ। तो सपोज आपके पास कंटेनर है, ठीक है, सपोज मेरा एक कंटेनर है और इसकी विड्थ हमने सेट की है, हम W यूज़ करेंगे विड्थ के लिए, तो अगर विड्थ मैंने इसकी यूज़ की है 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल का मतलब इस कंटेनर की विड्थ फिक्स है 100 पिक्सल। आप चाहे छोटे पे इसको छोटा स्क्रीन करोगे तब भी 100 पिक्सल होगा, और अगर बड़ा होगा तब भी 100 पिक्सल होगा, दैट मीन्स आपने इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, इसको फिक्स कर दिया। इन केस अगर आप यूज़ करते हो मैक्स विड्थ, मैक्स डैश विड्थ, उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगर आपने लिख दिया मैक्स विड्थ 100 पिक्सल, दैट मीन्स मैक्सिमम विड्थ इसकी 100 पिक्सल हो सकती है, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 100 पिक्सल होगी। अब इस 100 पिक्सल से आप ज़्यादा अगर बढ़ाओगे तो 100 पिक्सल से ज़्यादा नहीं हो सकती, बट इससे छोटी हो सकती है। इसका मतलब होता है मैक्सिमम 100 पिक्सल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100 पिक्सल होगी, उससे ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं हो सकती। अगर आप विंडो बढ़ाते जाओगे तो विंडो नहीं बढ़ेगी, दैट मीन्स अगर आप इस अगर आप जैसे मान लो 100 पिक्सल, 100 पिक्सल पे आपने ओपन किया तो इसने इसकी 100 पिक्सल दिखेगी, आपने आपकी विंडो की विड्थ 200 पिक्सल है तब भी 100 पिक्सल ही दिखेगी, 300 है तब भी 100 पिक्सल ही दिखेगी, 100 पिक्सल दिखेगी। बट अगर आप ऐसे विंडो यूज़ करोगे जो 100 पिक्सल कम हो, जैसे अगर आप फ़ोन पे यूज़ करोगे तो उसकी विड्थ कम हो सकती है, दैट मीन्स ये डब्बा कम हो सकता है बट 100 पिक्सल से ज़्यादा नहीं हो सकता, दैट मीन्स ज़्यादा नहीं जा सकता। ये चीज़ याद रखिए, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉसिबल है, उससे ज़्यादा नहीं विड्थ इसकी बढ़ सकती बट कम हो सकती। तो ये जब यूज़ होता है, जब आप चीज़ों को रीसाइज करते हो, जैसे आपने 100 पिक्सल इसकी विड्थ रख दी मैक्सिमम विड्थ, अब आप विंडो को बड़ी करती जा रहे हो, तो जब ही जब आपकी विंडो की विड्थ 100 से ज़्यादा हो जाएगी तो आपके कंटेनर की विड्थ नहीं बढ़ेगी, बट अगर छोटी करोगे तो छोटी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं।
आया सबको समझ में? तो मैक्स विड्थ होती है, इसी तरह मैक्स हाइट होती है, मैक्स हाइट का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट, ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट इतनी रहेगी, इससे छोटी तो हो सकती है बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, अगर आप विंडो बढ़ाते भी जाओगे तो ये 100 पिक्सल पर ही रुकी रहेगी, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह मिनिमम हाइट मतलब कम से कम, इसी तरह और भी होती है मिन हाइट मतलब कम से कम इतना हो सकती है, कम से कम, जैसे अगर मैंने मिनिमम हाइट 50 रख दिया तो 50 पिक्सल मतलब कम से कम इसकी मिनिमम हाइट 50 पिक्सल है, कम से कम एटलीस्ट 50 पिक्सल होनी होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती बट उससे ज़्यादा हो सकती है। मिन विड्थ है मतलब मिनिमम विड्थ, कम से कम विड्थ उतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती है। तो होपफुली आपको मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ समझ में आया होगा। कि अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग मार्जिन की और शॉर्ट हैंड नोटेशन की, मार्जिन और पैडिंग। इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ मार्जिन पैडिंग क्या होता है, लेकिन अभी हम थोड़ा शॉर्ट हैंड नोटेशन, कैसे जल्दी में आप चीज़ें कर सको, कैसे जल्दी में आप चीज़ें सीख सको, ठीक है? शॉर्ट हैंड नोटेशन मतलब कैसे आप चीज़ें जल्दी में लगा सको, ठीक है? तो मैं एक बार आपको, मार्जिन और पैडिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ करोगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मार्जिन। तो अगर मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ कंटेनर, एक कंटेनर बना लेता हूँ छोटा सा, तो हमें पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन डाउन। तो आपका जो चीज़ें हैं वो ऐसे चलेगी, ठीक है? दैट मीन्स दिस इज़ फॉर मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप पहले आएगा, फिर राइट आएगा, फिर बॉटम आएगा, फिर लेफ्ट आएगा। तो अगर आपको इंडिविजुअली बढ़ा, अगर आपको इंडिविजुअली चेंज करना है तो आपको एट्रीब्यूट पूरा लिखना पड़ेगा, मार्जिन टॉप टॉप 30 पिक्सल, तो ये क्या होगा ऊपर का बढ़ेगा, ठीक है? और अगर आपने लिखा मार्जिन मार्जिन राइट तो मार्जिन राइट से बढ़ेगा। दैट मीन्स आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, ठीक है? इंडिविजुअल भी कर सकते हो बट आप एक ही लाइन में चेंज कर सकते हो चारों, ठीक है? जैसे आप सिर्फ लिख दो मार्जिन, सिर्फ लिख दो मार्जिन, उस केस में अगर मार्जिन आपने 30 पिक्सल लिख दिया, दैट मीन्स चारों तरफ से 30 पिक्सल हो जाएगा मार्जिन, सिर्फ एक ही वैल्यू आपने लिखी 30 पिक्सल, तो चारों तरफ से टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों तरफ 30। आप दो अगर यूज करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यूज कर लिया मार्जिन, मार्जिन आपने लिखा 30 पिक्सल और आपने लिख दिया 40 पिक्सल, 40 पिक्सल, इस केस में ये हो जाएगा टॉप का और बॉटम का, और ये हो जाएगा लेफ्ट का और ये हो जाएगा राइट का, ठीक है? तो 30 30 टॉप बॉटम, 40 लेफ्ट राइट। इसी तरह आप एक ही लाइन में चारों यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसा लिख रहे हो मार्जिन मार्जिन, और आप अगर लिख दोगे 40 पिक्सल तो टॉप माना जाएगा, फिर स्पेस देके लिख दोगे 30 पिक्सल तो राइट माना जाएगा, फिर 20 पिक्सल फ्रॉम बॉटम बॉटम, और फिर बॉटम के बाद लेफ्ट 10 पिक्सल, ठीक है? तो आप चारों तरीके यूज़ कर सकते हो, आप ये यूज़ कर सकते हो अलग 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 अलग, एक एक यूज़ कर सकते हो, आप एक बार में एक दे सकते हो, तो फ्रॉम चारों साइड से माना जाएगा टॉप राइट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, और आप दो यूज़ करोगे ये दोनों वैल्यू, उस केस में ये 30 माना जाएगा टॉप बॉटम के लिए, लेफ्ट राइट के लिए 40 माना जाएगा, और अगर आप चार वैल्यूज स्पेसिफाई करोगे तो ये माना जाएगा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ये हुआ शॉर्ट हैंड नोटेशन। इसी तरह पैडिंग है, सिंपली जहाँ जहाँ मार्जिन है वहाँ आप पैडिंग कर दोगे तो पैडिंग का काम हो जाएगा, जहाँ जहाँ मार्जिन है यहाँ पे पैडिंग यूज़ कर सकते हो, वही वही चीज़ यहाँ भी पैडिंग, आप यही यही चारों तरफ से पैडिंग हो जाएगी, फिर जब पैडिंग लिखोगे सिर्फ तो ये टॉप बॉटम की हो जाएगी और ये लेफ्ट राइट की हो जाएगी। इसी तरह आप मार्ज अगर पैडिंग दे दोगे तो पैडिंग फ्रॉम टॉप, पैडिंग फ्रॉम राइट, पैडिंग फ्रॉम बॉटम, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है? तो ये होता शॉर्ट हैंड नोटेशन। आप एक ही लाइन में कैसे यूज़ कर सकते हो, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन, या तो आप अलग अलग यूज़ करो। इसी तरह बॉर्डर को यूज़ करते हैं तब भी हम शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ करते हैं। बॉर्डर बॉर्डर को कैसे यूज़ करते हैं, तब शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉर्डर लिखते हो तो बॉर्डर सबसे पहले यूज़ करते हो बॉर्डर, फिर लिखते हो कितने पिक्सल का होना चाहिए बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ, ठीक है? तो आप लिख देते हो 1 पिक्सल, फिर लिख देते हो सॉलिड, तो ये बॉर्डर की स्टाइल है, और फिर लिख देते हो कलर, दैट मीन्स आपने लिख दिया रेड। तो आपने इसी प्रॉपर्टी की तीन वैल्यू दी है, दिस इज विड्थ, दिस इज स्टाइल बॉर्डर स्टाइल,
एंड दिस इज कलर, बॉर्डर कलर, ठीक है। दैट मीन्स एक ही प्रॉपर्टी के अंदर आप तीन वैल्यू दे रहे हो, दैट इज दिस इज शॉर्ट हैंड नोटेशन। यहाँ भी एक ही प्रॉपर्टी के अंदर आप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब दे रहे हो, दिस इज शॉर्ट हैंड नोटेशन। तो आप बॉर्डर लगाना भी सीख गए और मार्जिन पैडिंग भी इसी वाली स्लाइड में सीख गए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड की, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी पेज पे बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे और बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक फ़ोटो डाउनलोड करके लाते हैं और उसको सेव करते हैं अपने फोल्डर में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैकग्राउंड पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम लोग लगाएंगे। जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, अटैचमेंट, पोजिशन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग करेंगे। फटाफट चलते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। तो हम यहाँ पे गूगल क्रोम पे आ गए और हमने यहाँ पे टाइप किया टैक्स ऑफ इंडिया लोगो। तो हमें यहाँ पे जो सबसे पहला लोगो मिला, हम लोग इस लोगो को राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज एज अ न्यू टैब करेंगे और इस इमेज को सिंपली सेव करेंगे, ठीक है। इमेज को सेव कहाँ करेंगे, इमेज को डेस्कटॉप पे हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे सी एस एस ट्यूटोरियल में। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फोल्डर बना लेंगे, न्यू, और न्यू फोल्डर का नाम दे देंगे IMG, ठीक है। तो हमारे इस फोल्डर के अंदर चलेंगे और यहाँ पे हम सेव कर देंगे। आएंगे जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक फोल्डर IMG का ऑलरेडी आ गया है और यहाँ पे texof.png आ गई। हम इस फोटो को लगाने वाले इमेज, अभी वेट करते रहिए, ठीक है। तो हम इंडेक्स पेज को रन कर लेंगे क्योंकि अब हम काम इंडेक्स पेज पे करने वाले हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। इंडेक्स पे हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, बट ऐसे ही उल्टा सीधा कर दिया। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सारा काम बॉडी पे करेंगे, सारा काम हम लोग बॉडी पे करेंगे, ठीक है। तो बॉडी पे करने के लिए और हम लोग यूज़ करेंगे इनलाइन, ठीक है, इनलाइन यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम लोग यूज़ करेंगे इंटरनल CSS, नॉट इनलाइन, सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाएंगे हेड सेक्शन में, स्टाइल सिंपली टैग लगा देंगे, स्टाइल नॉट स्ट्रॉन्ग, स्टाइल टैग लगा देंगे। और यहाँ सीधा सीधा बॉडी को टारगेट करने के लिए आप बॉडी टैग को टारगेट कर सकते हो। और हम लोग इसके अंदर बैकग्राउंड यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो सिंपली आप यहाँ पे बैकग्राउंड डैश कलर एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्वा लेना है तो आप एक्वा लिख सकते हो। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो देखो इतना बढ़िया सुंदर कलर लग रहा है। आप कलर का नाम लिख सकते हो, कलर का हेक्साडेसिमल यूज़ कर सकते हो, RGB यूज़ कर सकते हो, ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो, लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो। तो आप बहुत सारे तरीके के कलर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपका हेक्सा कलर कोड, ठीक है, हेक्सा कलर कोड। तो आप जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइट ब्लू, ठीक है, लाइट ब्लू, तो आप देखोगे आपका लाइट ब्लू बैकग्राउंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली कलर प्रॉपर्टी है। इसी तरह बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको इमेज यूज़ करना है तो सिंपली देखो आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ यूज़ कर लो बैकग्राउंड डैश इमेज, ठीक है। और यहाँ पे आपको इमेज देना है। तो अगर आपको बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले लिखना होगा URL और URL के अंदर आपको बैकग्राउंड इमेज देना होगा। तो हमारी जो इमेज है इमेज फोल्डर के अंदर है और हम लोग लगाएंगे स्लैश और इमेज फोल्डर के अंदर हम अपने texof.png नाम दे देंगे और सेव करेंगे। तो आप देख पाओगे, देखो आपके बैकग्राउंड में इमेज भी आ गई, कलर के साथ साथ इमेज भी आ गई, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर भी ऊपर सेट किया हुआ, इमेज भी सेट किया हुआ है। तो हम लोग इमेज भी सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है इमेज सेट करने का, और कलर साथ में भी सेट कर सकते हो जैसे हमने कहा। बट यहाँ पे देखिए इमेज एक ही है बट रिपीट कर रही है, रिपीट कर रही है, दैट मीन्स एक बार एक इमेज थी वो तीन बन गई हॉरिजॉन्टली और दो बन गई वर्टिकली। इसी तरह नीचे स्लाइड करोगे तो और जितनी हाइट होगी विड्थ रिपीट करेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिपीट ना करे तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। और हम लोग रिपीट प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप लिख दोगे नो रिपीट तो बैकग्राउंड रिपीटेशन नहीं होगा, देखिए रिपीट खत्म हो गया। और अगर आप यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हो, जैसे आप एक्स पे रिपीट कराना चाह रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो एक्स रिपीट, तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे रिपीट करेगी इस तरफ को। अगर यहाँ पे वाई यूज़ करना चाह रहे हो तो आप रिपीट वाई यूज़ कर सकते हो, तो सिर्फ वाई पे रिपीट होगी। तो बैकग्राउंड को रिपीट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट फिलहाल मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ वैल्यूज़ कर लूँगा नो रिपीट, सेव कर दूंगा। तो देखिए बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स एक ही बार रिपीट हुआ। इसी तरह हम लोग ये जो रिपीट प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह बैकग्राउंड पोजीशन है, इस बैकग्राउंड पोजीशन को चेंज करके हम इस तरफ भी ले जा सकते हैं। जैसे अगर मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँ बैकग्राउंड डैश पोजीशन
और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, पोजीशन का मतलब होता है कि हम लोग दे सकते हैं राइट, दैट मीन्स ये राइट पे चली जाएगी, और टॉप राइट टॉप दे सकते हैं। तो देखिएगा, सेव करूँगा, देखिए राइट टॉप आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बॉटम दे दूँगा राइट बॉटम, तो देखिएगा यहाँ पे एकदम बॉटम में आया है, राइट बॉटम, राइट लेफ्ट। इसी तरह आप बैकग्राउंड की पोजीशन को भी क्या कर सकते हो, आप बदल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड इंपॉर्टेंट चीज था। इसी तरह एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट मतलब कि अटैच कर सकते हैं कि स्क्रॉल करना है कि नहीं स्क्रॉल करना है। जैसे अगर मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर दूंगा तो ये फिक्स्ड हो जाएगा, ये स्क्रॉल नहीं करेगा, ठीक है। बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट, अगर मैं इसको फिक्स कर दूंगा, दैट मीन्स ये जब आप स्क्रीन, जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो देखिएगा ये फिक्स हो गया, ये स्क्रॉल नहीं कर रहा है। तो आप अगर बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर देते हो तो ये स्क्रॉल नहीं होगा। तो स्क्रॉल प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए अटैच हो जाएगा आपके बैकग्राउंड, जैसे फिक्स हो जाएगा, दैट मीन्स आपका अटैचमेंट फिक्स हो जाएगा, तो स्क्रॉलेबल नहीं होगा, ये देखिए। तो इसी तरह बैकग्राउंड अटैचमेंट भी चेंज कर सकते हो। तो देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज होंगी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, पोजिशन, अटैचमेंट, इसी तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो क्या आप एक ही बार में करोगे, एक ही बार में करोगे? हाँ, आप क्या कर सकते हो, इन सबको एक ही लाइन में लगा सकते हो। कुछ ऐसे आप लिखो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड एक ही लाइन में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं तो शॉर्ट हैंड नोटेशन। तो सबसे पहले आपको कलर देना है, तो कलर फॉर एग्जांपल हमने दे दिया लाइट ब्लू स्पेस। फिर आपको इमेज देना है, तो आप दे दोगे URL, URL में img/textsoft.png। फिर इसके बाहर आपको देना होगा रिपीट, तो आप लिख दो नो रिपीट। फिर आपको आप दे सकते हो राइट टॉप अपनी पोजीशन, राइट टॉप। फिर आप अटैचमेंट दे सकते हो, दैट मीन्स एक एक चीज़ आप दे जाओ फिक्स्ड, ठीक है। अटैचमेंट जबकि आप पहले दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अटैचमेंट पहले दे सकते हो, कोई दिक्कत, सेव कर दो, देखते हैं, ठीक है। तो देखो वही चीज़ आ रही है, इसको आप हटा भी सकते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। तो अब ठीक है, तो आप अटैचमेंट यहाँ पहले भी दे सकते हो। तो याद रखो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन कर सकते हो। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, फिर स्पेस देके बैकग्राउंड इमेज, फिर स्पेस देके बैकग्राउंड रिपीट, फिर स्पेस देके बैकग्राउंड पोजीशन, और स्पेस देके बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन। तो आप खुद देखो शॉर्ट हैंड नोटेशन इतना अच्छा है कि आपको दोबारा एक ही लाइन में सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो। दोबारा ये सारी चीज़ें अलग अलग से नहीं लिखनी, बट आपकी मर्जी, फील फ्री टू यूज़ एनी वन ऑफ दीज, ठीक है। इसमें से आप चाहे ये यूज़ कर लो, चाहे ये यूज़ कर लो, एक ही बात है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ देखा, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज, ठीक है, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज जैसे कलर, इमेज, रिपीट, पोजीशन, अटैचमेंट। और आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है बैकग्राउंड में जो ग्रेडियंट हम लोग सेट करते हैं, डिज़ाइन पैटर्न एक तरीके का होता है जिसमें हम लोग ग्रेडियंट मिक्स कलर यूज़ करते हैं। तो आपको ऐसे ही जब भी ग्रेडियंट यूज़ करना है तो सिंपली आपको बैकग्राउंड लिखना है और यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको बैकग्राउंड लिखना है और यहाँ पे देखो लीनियर ग्रेडियंट, और आपको दो कलर देने हैं, यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे कलर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपको कलर्स को राइट से लेफ्ट मिले जाने हैं तो आप लिखो टू राइट, नहीं लेफ्ट से राइट मिले जाने हैं तो आप लिखो टू राइट, फिर पहला कलर रेड और दूसरा कलर ब्लू, ठीक है। सेव कर दो और नीचे वाला कमेंट कर देते हैं। तो देखिए देखिए ये ग्रेडियंट आजकल बहुत ही ज़्यादा होता था। तो इस तरफ हम लोग गए थे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो देखिए टू राइट, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट, तो इधर रेड है इधर ब्लू है। अगर आप यहाँ पे टू लेफ्ट कर दोगे तो देखिएगा ये देखिए कलर चेंज, डायरेक्शन चेंज हो गया। इसी तरह टू बॉटम, टू टॉप, बहुत सारे तरीके हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करिए लीनियर ग्रेडियंट, आप सिर्फ यहाँ पे लाना आपको कलर, दैट्स इट। आप कलर ले आइए, पेस्ट कर दीजिए, आपका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि टेक्स प्रॉपर्टीज़ कैसे हम लोग चेंज करेंगे। तो CSS टेक्स प्रॉपर्टीज़ पर एक बार हम लोग ध्यान दे देते हैं, क्योंकि CSS टेक्स प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CSS टेक्स प्रॉपर्टीज़ को सीखने के लिए हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू वाले फाइल वाले ऑप्शन पे, और हम नाम देंगे text.html, और हम लोग यहाँ पे सिंपल बेसिक HTML का बेयर बोन्स लिख देंगे। दैट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग HTML लिखेंगे और HTML5 पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे H1, और H1 सिंपली इसमें लिख देंगे हम लोग लर्न कोड विद दुर्गेश, ठीक है। लर्न कोड विद दुर्गेश टेक्स्ट लिख देंगे, जिससे कि हम लोग इस पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके सीख पाएँ। और इसको हम लोग ओपन कर लेंगे अपने लाइव सर्वर में,
तो सिंपली देख पाओगे यहाँ पे। और हम लोग क्या करेंगे, इस H1 को टारगेट करेंगे अपने इंटरनल CSS की हेल्प से। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे और H1 की हेल्प से टारगेट करेंगे। इसी तरह आप क्लास सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ टैग सेलेक्टर। और हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम लिखेंगे कलर, और कलर में आप कोई भी कलर दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कोई कलर यूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, हेक्सा कलर कोड यूज़ कर सकते हो, आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया। इसी तरह आप कोई नाम ही, जैसे मान लो आप हेक्सा कलर, आपको याद है तो आप हेक्सा कलर भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। देखिए हेक्सा कलर यूज़ कर सकते हो, परफेक्ट, ठीक है। तो कलर कलर चेंज कर सकते हो। इसी तरह टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब आपको लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, राइट रखना है, तो सिंपली आप लिखोगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट, और आप देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको अगर सेंटर करना है तो सेंटर कर दीजिए, आपका फॉन्ट देखिए सेंटर पे आ जाएगा। अगर आपको राइट करना है तो आप राइट कर दीजिए, आपका जो टेक्स्ट है वो सिंपली कहाँ चला जाएगा, राइट पे चला जाएगा। देखिए राइट पे चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट अलाइनमेंट। बहुत ज़्यादा यूज़ होती है टेक्स्ट को इधर उधर शिफ्ट करने के लिए, स्टार्ट एंड डेकोरेशन। जैसे आपको अंडरलाइन करना है तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ कर सकते हो। डेकोरेशन, डेकोरेशन में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ यूज़ कर लीजिए अंडरलाइन, अंडरलाइन, और अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो गया टेक्स्ट, इसीलिए टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी अंडरलाइन है तो रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें लिखते हो जिसमें अंडरलाइन होती है या डॉट्स लगे होते हैं, तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। जैसे जब आप लिस्ट बनाते हो तो डॉट 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 सारी लिस्ट बनी होती है अनऑर्डर लिस्ट में, तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो तो वो डॉट्स हट जाएंगे। दैट मीन्स डेकोरेशन को हटाने के लिए, अंडरलाइन वगैरह आपके लिंक से हटाने के लिए डेकोरेशन यूज़ होता है। इसी तरह आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगी तो टेक्स्ट से मोस्टली यूज़ होती हैं, स्टार्ट होती हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आप कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है। कैपिटलाइज मतलब सारे पहले लेटर कैपिटल हो जाएंगे सारे वर्ड्स के। लर्न का L कैपिटल हो गया, C कैपिटल हो गया, W कैपिटल हो गया, D हो गया। अगर सारे कैपिटल करने हैं तो आप यहाँ पे अपर केस यूज़ करोगे तो सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। देखिए अगर आपको लोअर करना है तो आप लोअर केस यूज़ कर सकते हो तो सारे लेटर स्मॉल में हो जाएंगे, ठीक है। देखिए L स्मॉल हो गया, C स्मॉल हो गया, और कैपिटलाइज मतलब सारे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसी तरह टेक्स्ट इंडेंटेशन यूज़ कर सकते हो। इंडेंटेशन का मतलब होता है लाइन से पहले लेटर की स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सेंटर की जगह मैं कर देता हूँ लेफ्ट, तो ये मूव कर जाएगा भाई लेफ्ट में, मूव कर जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट में। और यहाँ से स्पेस देते हैं ज़रा, हम लोग इंडेंटेशन यूज़ कर रहे हैं। टेक्स्ट इंडेंटेशन, टेक्स्ट इंडेंट, और इंडेंट में देते हैं हम लोग 50 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए पहले लेटर की, यहाँ पे देखिए पहले लेटर की, पहले लाइन की स्पेसिंग होगी सिर्फ, ठीक है। तो पहले पहले लाइन की स्पेसिंग कहाँ, इस तरफ से लेफ्ट साइड से, ठीक है। इंडेंटेशन यूज टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, पहली लाइन टेक्स्ट का हटाने के लिए। इसी तरह अगर आपको दो लेटर के बीच में स्पेस देना है तो लेटर स्पेसिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, लेटर स्पेसिंग। और सपोज हमने दे दिया 10 पिक्सल, तो दो लेटर के बीच में 10 पिक्सल की जगह आ जाएगी। देखिए दो लेटर के बीच में 10 पिक्सल्स की जगह आ गई। और बढ़ाना है तो इसको आप 100 कर सकते हो, बट रिजल्ट हॉरेबल होगा, देख सक लो रिजल्ट हॉरेबल है, 100 पिक्सल की जगह है। तो आई थिंक 5 इज इनफ, 5 पिक्सल विद इन 5 पिक्सल दो टेक्स्ट दो लेटर्स के बीच में इनफ है मुझे लगता है, ठीक है। 5 पिक्सल्स और भी कम कर, 15 पिक्सल की जगह आप 2 पिक्सल कर दो, इनफ लगेगा। आप निगेटिव में वैल्यू दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा चलो दे देते हैं -2, तो देख पाओगे एकदम चिपके से आ जाएंगे। -20 दे देते हैं, देख पाओगे सब एक ही में खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान दोगे इन सब चीज़ का, ठीक है। तो हम दे देते हैं 2 पिक्सल्स, आई थिंक इनफ है, परफेक्ट। इसी तरह आप क्या यूज़ कर सकते हो, वर्ड स्पेसिंग। वर्ड मतलब दो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो वर्ड स्पेसिंग, वर्ड डैश स्पेसिंग, वर्ड डैश स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग सपोज हमने दिया 100, तो ये जो
डिस्टेंस होगी वो दो वर्ड्स के बीच में, ये वाली डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्ड स्पेसिंग दे सकते हो, डायरेक्शन और एक्शन यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट शैडो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक्स्ट शैडो, सपोज हम टेक्स्ट से शैडो देना चाहते हैं तो आप लिखोगे टेक्स्ट शैडो, और टेक्स्ट शैडो में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल शैडो होती है। हॉरिजॉन्टल शैडो देखिएगा, मैं दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल शैडो में 20 पिक्सल, अभी आप रिजल्ट देखोगे समझ जाओगे। फिर वर्टिकल शैडो होती है, और फिर होता है कलर, तो कलर में मैं देता हूँ रेड, ठीक है, कलर में रेड देता हूँ, सेव करता हूँ। देखो ये होती हॉरिजॉन्टल, ये इस तरफ को निकला है, इस तरफ को हल्का निकला है, और वर्टिकल भी दे दोगे तो ऊपर को हल्का निकल जाएगा, देखिएगा 20 नीचे को निकलेगा, ठीक है, नीचे को निकल गया, तो हॉरिजॉन्टल 20 वर्टिकल 20, ठीक है। लेकिन अगर आप वैल्यू कम कर दोगे तो ये अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप 3 3 कर दोगे तो ये अच्छा लगेगा, 3 3 कर दोगे तो ये परफेक्ट लगेगा, देखो 3 3 पिक्सल्स, ये देखिए, और कम कर दिए और अच्छा लगेगा, ठीक है। कर देते हैं 1 पिक्सल का और 1 पिक्सल का, हल्का हल्का, ठीक है, ये देखिए हल्का सा साइड, तो ये सेड हुआ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट की जो हमने यहाँ पे दिखाई आपको डेमोन्स्ट्रेट करके, टेक्स्ट का कलर अलाइनमेंट डेकोरेशन ट्रांसफॉर्म कैपिटल स्मॉल के लिए, इंडेंट आपको फर्स्ट लाइन का स्पेस बढ़ाने के लिए, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई है टेक्स्ट के बारे में, ये सारे टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो, फिर हो चाहे हेडिंग टैग हो, पैराग्राफ टैग हो और बाकी के टैग्स हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, फ्रॉम बेसिक CSS से स्टार्ट किया था, व्हाट इज़ CSS, CSS को कैसे लिखते हैं, CSS का सिंटैक्स क्या होता है, और तमाम चीज़ें हम लोगों ने सीखी। फिर भी हम लोग इस वीडियो का सेकेंड पार्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग एडवांस CSS सीखेंगे, एनिमेशन वगैरह सीखेंगे, और बहुत सारी टॉपिक्स हम लोगों ने मिस कर दिए हैं बिकॉज ऑफ दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ CSS। ये सिर्फ बेसिक था और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, CSS के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, CSS को कैसे लिखते हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग, कोई भी हम लोगों ने टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ CSS नहीं बनाया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग इससे सेकेंड लेवल का काम करेंगे, और सेकेंड लेवल की चीज़ सीखेंगे, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, हम लोग उसमें लिंक्स वगैरह के बारे में सीखेंगे, आइकन वगैरह के बारे में सीखेंगे, लिस्ट सीखेंगे, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी सीखेंगे, और उसमें पोजीशंस की प्रॉपर्टी सीखेंगे, ओवरफ्लो सीखेंगे, उसमें ओपेसिटी वगैरह सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि और भी नॉलेज शेयर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।